जाओ लाली। तुम भी खेलो ना फाउना, हम चारों होंगे तो ज्यादा मजा आएगा। मैं इंसान के बच्चों के साथ नहीं खेलता। ओ, पर मोगली हमारा भाई है। लेकिन मेरा भाई तो नहीं है ना। मोगली को सब पसंद करते हैं सिवाय तुम्हारे और शेर खान के। बचाओ 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 बचाओ। हिलना मत तबाकी, मैं तुम्हें निकालता हूँ। हिलना बंद करोगे तो जल्दी निकल पाओगे, ठीक है? हो गया। शुक्रिया मेरे दोस्त मोगली, तुम बहुत अच्छे हो। कुछ ज्यादा ही अच्छा है। और तुम बेकार गीदर, तुम दोस्त हो? शेर खान का दोस्त तो है या शायद बनना चाहता है, पर एक बात पक्की है, ये शेर खान का जासूस है। वैसे वो इतना भी बुरा नहीं है, वो तो बस एक गीदड़ है जो गीदड़ वाली हरकतें करता है। और तुम एक बेवकूफ हो जो बेवकूफी वाली हरकतें करता है। तबाकी मेरे दोस्त, कैसे हो शेर खान? मेरे पास कमाल की तरकीब है उस बहुत अच्छे इंसान के बच्चे का काम तमाम करने की, और तुम उस प्लान में मेरी मदद करोगे। आखिरकार मुझे मिल ही गया। ये लो, इसे चखो मीरा। पहले इसे ट्रिकी को देते हैं ताकि पता चले कि इससे होता क्या है। सुनो, तुम्हें मीठा और मजेदार शहद चाहिए? सुनो छचिंदरों, यहाँ देखो, कुछ लोग इसे देखकर जलन के मारे कोयला हो जाएंगे। इस ताज के सामने तो मोर की खूबसूरती भी फीकी पड़ जाएगी। मैं सबसे खूबसूरत बन गई हूँ। बिल्कुल माशा, पावर फूला तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, एकदम बेकार है, बिल्कुल उन मोरों की तरह। वाह माशा, ये पहनकर तुम कमाल की लग रही हो। सब झूठ है, तुम मेंढक कितनी बदसूरत हो। एक फूलों से सजा मेंढक, फुलवारी का मेंढक, जिंगला जिंगला जिंग जिंग जिंग। क्या खा रहे हो तुम? ये तो गड़बड़ शहद है ना, ये तो हम अपने दुश्मनों को देते हैं उन्हें पागल बनाने के लिए। बस करो माशा, हमने उसे थोड़ा सा ही दिया था। हम बस देखना चाहते थे कि इससे होता क्या है। ये मजेदार है। संभाल कर, ये काट भी सकता है। माशा, फूल तो तुमने अच्छा लगाया है। क्या चाहिए तुम्हें? थोड़े मोर के पंख लगा लोगी तो और भी खूबसूरत लगोगी। उफ़, मैंने उनके पंख तोड़ने की कोशिश की थी। उस मीना के लिए तो वो अपनी दुम के पंख फैला देते हैं, पर किसी और को तो हाथ भी नहीं लगाने देते। लेकिन मुझे पता है उन रंगीलों से काम कैसे निकालना है। मैंने मौका देकर उनके दो तीन पर चुरा लिए थे। ओ, तो क्या तुम मुझे वो दोगे? तुम मुझे वो गड़बड़ शहद दो जो सबको पागल कर देता है, और उसके बदले मैं तुम्हें पर दूंगा। क्या कहती हो? खूबसूरत पर तुम्हारे बालों के लिए। क्यों नहीं, लेकिन अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लो मोगली, ये तुम्हारे लिए। लाली सही थी, तुम हम में से एक ही हो। चलो कहा सुना सब भूल जाओ, अब से दोस्त। ये एकदम असली है, चक्कर देखो ना। दिखने में भी बहुत बढ़िया है। तो शुक्रिया मेरे दोस्त, मैं तुमसे बाद में नदी किनारे मिलूंगा बाला और लाली के साथ। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। शहद के मजे लो। ढिंक चिका ढिंक चिका, मैं हूँ मोगली। जंगल का मैं हूँ राजा। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका। आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या? चलो मोटे चाचा कुछ धमाल करते हैं। तुम तो नरम और गोल हो, बिल्कुल एक कद्दू की तरह गोल गोल, कद्दू की तरह गोल गोल। मोगली तुम ठीक तो हो? ये क्या कर रहे हो? मोगली का मनपसंद बागड़ बिल्ला कौन है जिसकी मूंछ भी है? क्या ये बिल्ला बाल वाले कद्दू की तरफ है? क्या बाल वाला कद्दू? तबीयत तो ठीक है, तुम्हें बुखार तो नहीं हो गया? अरे नहीं नहीं मेरे मोटे कद्दू चाचा, मैं बस थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहा हूँ। ये बागड़ बिल्ला कई बार तुम्हें शेर खान से बचा चुका है, और ये तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। शेर खान,
आने दो उस काले पीले जोकर को, मैं उसका यही इंतजार करूंगा। मैं उसका सीख कबाब बना के खा जाऊंगा, क्योंकि आज से मैं हूँ जंगल का राजा। फाउना, मुझे चाहे जितना भी शहद क्यों ना पिला दे, पर मैं कभी कभी भी उसका दोस्त नहीं बनने वाला। तुम पागल हो गए हो मोगली, तुम्हारी नौटंकी बिल्कुल बेकार है। चलो बघीरा, तुम्हारी तबीयत ठीक होने के बाद हम तुमसे मिलेंगे। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। ये कुछ ठीक नहीं लगता बलू, और ये फौना और शहद वाली बात समझ में नहीं आ रही। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। ये हुई ना बात, अब तुम असली भेड़िये की तरह बर्ताव कर रहे हो। मैं असली भेड़िये से भी बढ़कर हूँ, मैं भेड़ियों का राजा हूँ और इस पूरे जंगल का भी। मैं तुम्हारी तरह अजीब नहीं दिखता हूँ, तुम तो बस एक बड़े आकार वाले जानवर लगते हो। उसने बल्लू को मोटा कद्दू कहा। हाँ, और हम सबको बड़े आकार वाला कुत्ता कहा। मैं मोगली को जानती हूँ, वो ऐसा कभी नहीं कहेगा, उसे जरूर कुछ हो गया है। हाँ, हमने भी उसे देखा और लग रहा था जैसे वो पगला गया है। उसने मुझे कहा कि मैं उसका भाई नहीं हूँ, और ये भी कहा कि मैं हमेशा उसके साथ दुम की तरह चिपका रहता हूँ। और कहा कि वो इस जंगल का राजा है। उसे ठीक करने के लिए हमें कुछ तो करना ही होगा। मुझे लगता है उसे इंसानों के बीच वापस भेज देना चाहिए। लेकिन मुझे माफ करना रक्षा, फौना सही है, हमें उसे ठीक करना होगा। अगर यही सही है तो शायद उसे वापस भेजने के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, चलो उल्लू कहीं के बलाव से जोर से आवाज लगाना। मोगली, जोर से बचाओ मोगली, बचाओ मोगली। यूहू, बोलो मोगली। जिंगलाला, मेरे प्यारे भालू कच्चे, तुम सो रहे हो? थोड़ा सा डांस हो जाए बिल्ला मामा। जिंगलाला, जिंगलाला, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो छोटू? इन सबको हो क्या गया है, बताओगी? मुझे छोड़ दो बलू, हम मस्ती कर रहे थे। हमने इसे थोड़ा गड़बड़ शहद दिया था, जिसे ये अजीब हरकतें करने लगा, कुछ ज्यादा ही अजीब। क्या गड़बड़ शहद? वो तो दिमाग को गड़बड़ कर देता है। फाउना, तुम्हें कुछ याद आया बघीरा? वो शहद मोगली के साथ भी यही हुआ है। हाँ। जरूर फाउना ने उसे शहद खिला दिया होगा। मेरे साथ आओ बघीरा। ढिंग चिका, बोल रहे गीदड़, अभी क्या तुम ही रो रहे थे? मैं इस फंदे में फंस गया हूँ, मुझे निकालो यहाँ से, नहीं तो मुझे जरूर कोई खा जाएगा और जंगल में मेरी हड्डी भी नहीं बचेगी। मेरे पैर, मेरी पूंछ, मेरी आँख नाक, कुछ नहीं बचेगा। बचाओ मुझे। मैं दोस्त मैं किसी गीदड़ का दोस्त नहीं बन सकता। मैं इस जंगल का राजा हूँ। वो शेर, अब उसका राज खत्म हुआ। बोल ले इंसान के बच्चे, ये तेरे आखिरी शब्द हैं। एक बार नीचे आ जा, फिर तेरा खेल खत्म। तुम फिक्र मत करो, मैं इसे उस हाथी पर आजमा चुका हूँ जिसने गड़बड़ शहद खाया था। वो खुद को मधुमक्खी समझ रहा था, और फिर उसने शहद बनाने के चक्कर में सारे फूलों का कचूमर निकाल दिया। ठीक कचिका, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। ठीक कचिका, ठीक कचिका, ठीक कचिका। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, उसे डबाकी को बचाना था। अब तुम नहीं बचोगे शेर खान। एक बार तू मेरे हाथ आ गया ना, फिर देखना मैं तुझे चबा जाऊंगा, मैं तेरा फुर्ता बना दूंगा। तेरे पीछे दबक दबा के। शहद का असर खत्म होने के बाद मुझे नहीं लगता टबाकी जंगल में रह पाएगा। ये सब क्या हो रहा है? बल्लू ने मुझे बताया कि ये तुम्हारा काम था, तुमने शहद दिया। बकवास, उसे शहद माशा ने दिया था। ये झूठ है, वो तुमने ही किया था फाउना। तुमने मुझे कहा कि ये बहुत मीठा और लाजवाब है, और अब हम दोस्त हैं। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। उम्मीद है तुम मुझसे नाराज नहीं हो। तो ये तुमने किया फाउना, और झूठ भी बोला। पर ये तो भाषा थी। झूठे कहीं के, तुम इसका इल्जाम मुझ पर लगाना चाहती हो, लेकिन तुम ये करके बच नहीं पाओगे।
ये लो, तुम इसी के लायक हो। बस करो माशा, ये क्या कर रही हो? मोर के पंख कहाँ है? मुझे माशा, छोड़ो मुझे, छोड़ो माशा। मुझे लगता है उसके लिए इससे अच्छी सजा नहीं हो सकती है। बगी, बघीरा, सब ठीक हो जाएगा। मोगली, जरा मेरी मदद करना, हम अभी वापस आते हैं। उसकी हालत खराब है। हाँ, जहरीला कांटा उसके पंजे में बहुत गहराई में घुस गया है। क्या वो जहर बहुत खतरनाक है? पहले वो धीरे धीरे बघीरा को सुन कर देगा और फिर अगर हमने कुछ नहीं किया तो शायद बघीरा। तो तुम उसे निकाल क्यों नहीं देते? लेकिन ऐसा करने से जहर और भी ज्यादा तेजी से फैलेगा। पहले हमें एक गांठ बनानी होगी, उसके बाद हमें जरूरत होगी कुछ फ्रेंच पैनी फूलों की। उसका मरहम लगाने से जहर फैलेगा नहीं और मैं कांटे को निकाल सकूंगा। हमें फ्रेंच पैनी के फूल कहाँ मिलेंगे? वही जहाँ हरजीत रहता है। उम्मीद है वो खड़ूस इस बार हमें अंदर आने देगा, पर तुम्हें पता नहीं कि वो कितना गुस्सैल है। नहीं, भागो यहाँ से, ये मेरा इलाका है। हे, जरा देखो तुम किससे पंगा ले रहे हो पहलवान। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि आज मेरा मूड अच्छा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वाक बैम, मैं तुम्हारे दो टुकड़े कर देता इस तरह। अगली बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे? मुझे चिंता करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, ये कुछ भी नहीं है। तुम देखना, जल्दी ही तुम दौड़ने लगोगे किसी एक एक पैंथर की तरह। बघीरा को इस हालत में अकेला छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा मोगली। चिंता मत करो, वो किसी से भी भिड़ सकता है, भले ही वो बीमार हो। किसने लिया मेरा नाम? का, कितना अच्छा हुआ कि तुम टपक पड़ी। मेरे दोस्त, मैं एक सांप हूँ, मैं रेंगती हूँ। तो फिर रेंगते हुए ही बघीरा के पास जाने के बारे में क्या ख्याल है? क्या हुआ है बघीरा को? जब तक हम दवा लेकर नहीं आते, क्या तुम उसके पास बैठ सकती हो? वो बीमार है। नहीं, पर उसके पंजे में एक जहरीला कांटा चुभ गया है। किस तरह का जहरीला कांटा? क्या वो मुझे दे सकता है? देखो का, तुम बहादुर हो, है ना, और तुम होशियार भी हो। हाँ, ये मेरी सबसे खास बातें हैं। बघीरा को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, जाओ ना का, प्लीज। माफ करना, मुझे कई सारे काम है। बुरा हुआ, पर मेरे पास बघीरा के साथ रुकने वाले के लिए एक सरप्राइज है, पर लगता है वो अब किसी और को देना होगा। एक सरप्राइज? ये मत सोचना मैं यही नाम के लिए कर रही हूँ। तुम भी मेरे फल चुराने चाहते हो? मेरे इलाके से भाग जाओ। पर हरजीत, ये मैं हूँ, मोगली, तुम्हारा दोस्त। मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ। सुनो, हम बस बघीरा के इलाज के लिए फ्रेंची पानी के फूल लेने आए हैं, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मेरे इलाके में पैर नहीं रख सकता। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी मदद कर रही हूँ, मेरे बाद ये दोहराओ। इससे तुम ठीक हो जाओगे। क्या ऐसा बोलने से मेरा ये कांटा निकल जाएगा? इससे कहते हैं योगा का, ये है मेरी हीलिंग टेक्निक्स, ट्राई करो। जोर से और फीलिंग के साथ। मैं पेड़ों पर चलते हुए फूलों तक पहुंच जाऊंगा और हरजीत को पता भी नहीं चलेगा। ये मेरी बेल है, ये वाली भी मेरी बेल है। अच्छा, क्या मुझे एक उधार मिल सकती है? ये एक इमरजेंसी है, मुझे बचाना है। ठीक है, तुमसे बात करके अच्छा लगा, पर मुझे तुम्हारी इजाजत के बगैर ही आगे बढ़ना होगा। ये कसरत बेहतर है, इसे कहते हैं सूर्य नमस्कार। क्या तुम्हें यकीन है ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा? तुम
साथ नहीं दे रहे हो। क्योंकि इससे दर्द हो रहा है। अगर दर्द हो रहा है इसका मतलब ये काम कर रहा है। चिम्प्स और उस बैजर के होते हुए ये मामला काफी मुश्किल होने वाला है। ये उसकी पूंछ है, मैं उसे पकड़ लेता हूँ और उसे रोक कर रखूंगा, तब तक तुम जाकर फूल तोड़ लेना। पकड़ लिया, जाओ 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 बलू। पर वो उसकी पूंछ जैसी लग रही थी। हे, हरजीत की पूंछ। अगर हम दोनों को लगा कि ये हरजीत की पूंछ है तो शायद हरजीत को भी लगेगा कि ये उसके जैसे किसी की पूंछ है, तो शायद वो उसका पीछा करे। उसे तो ये भी लग सकता है कि ये पूंछ किसी मिस हनी बैजर की है। और अगर ऐसा हुआ तो वो दुनिया के आखिरी कोने तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। आवाज सुनो शरीर की। मैं तो सुन रहा हूँ पर मेरा शरीर मेरी आवाज नहीं सुन पा रहा है। हे, तुम्हें पूरा ध्यान लगाना होगा इसमें। नहीं नहीं चलेगा, ऐसे करो। मिस, हेलो, मेरा नाम है हरजीत। तो तुम्हें नाचना पसंद है? मिस, बैजरीना, तुम्हारी मस्तानी पूंछ देखकर तो मेरा शहद पीने का मन कर रहा है। बैजरीना। बैजरीना। बैजरीना, कहाँ हो तुम? देखो बघीरा, हम जरूरत का सारा सामान ले आए। आखिर वो है कहाँ? हम उसके मन की शांति के लिए कसरत कर रहे हैं। बघीरा, बघीरा। बस दो कॉइल्स के बाद वो बच जाता, तुमने सब बर्बाद कर दिया। कहाँ चली गई तुम? सामने आओ ना। बगी, ये मैं हूँ। बगी, बगी, मैं जानता था एक छोटा सा कांटा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ब्ला ब्ला ब्ला, तुम सब मेरी कीमत ही नहीं समझते। मैं बहुत खुश हूँ, हमने उसे बचा लिया, हमने उसे बचा लिया। एहसान फरामोश कहीं के, सिर्फ योगा का की वजह से तुम जिंदा हो। अगर मैं नहीं होती तो थुक, थुक, थुक। तुम्हारी जबान पेट में गिर गई है क्या का? बेकार, बेशर्म, बेदर्द, बेईमान, एहसान फरामोश जानवर। ये क्या किया तुमने? तुम्हें मेरे दोस्त को नहीं खाना चाहिए था। मुझे परेशान मत करो बेवकूफ हनी बैजो। तुम जरूर वो सरप्राइज होगे जिसका बल्लू ने वादा किया था। नहीं हरजीत, इस बेदर्द अजगर ने मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दोस्त को खा लिया। नहीं हरजीत, का ने किसी को भी नहीं खाया, वो बस एक फर्न था और कुछ नहीं। इसे बचाने के लिए झूठ मत बोलो। तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। से आ,
बताओ कैसी रही का? माफ करना हरजीत, वो बस एक फोन था। देखो, तुमसे बचकर फूल लाने का यही एक तरीका था। हाँ हाँ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैं जाकर अपने बेस्ट फ्रेंड को ढूंढता हूँ। बैजरीना, मिस हनी बैजर, तुम कहाँ हो? सामने आओ ना। क्या यहाँ किसी को पता है कि अजगर के चंगुल से कैसे निकलते हैं? तुम्हारा क्या ख्याल है छोटा? छोटा? हाँ बलू, उसने तुम्हें सुना नहीं क्योंकि वो जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था, है ना छोटा? हाँ। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मुझे एक बेल की जरूरत है। तुम्हें ये सुनना ही चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बलू बता रहा है कि हमला होने पर क्या करना चाहिए। नहीं 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 छोटा, नहीं, मैं टाइगर हूँ। गर, गर, गर। बड़े टाइगर्स का ठीक है, पर नन्हे छछुंदरों के बारे में मुझे पता नहीं। छोटा एक डरावना बड़ा टाइगर है। मोगली, तुम्हारी मदद चाहिए। सोचो कि एक अजगर ने मुझे ऐसे ही घेर लिया है। यहाँ जरूरी बात यह है कि तुम्हें अपना एक हाथ आजाद करके सांप को गुदगुदी करनी है, उसके सातवें और आठवें स्केल्स के बीच। लो, भालू फंस गया। अब तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। ओ हाँ, मैं अपने चश्मे के बिना भी देख सकता हूँ। शुक्रिया मोगली, ये नकली अजगर मुझसे कुछ ज्यादा ही चिपक रहा था। मेरा चश्मा। ये ट्राई करो, शायद इससे मदद मिले। हे, ये छोटा कहाँ चला गया? तुम छोटा से डर गए? छोटा, 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 छोटा कहाँ हो? छोटा, पंछी छोटा से डर गया। छोटा, 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 एक टाइगर कहाँ दार्जी? तो क्या ये उसी बड़े टाइगर के निशान है? हाँ। वो जरूर छोटा ही होगा। वेल, फिर भी उसकी दहाड़ बहुत तेज थी और मैंने तो उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। शायद छोटा सबको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो छोटा होने के बावजूद सबको डरा सकता है। वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है मोगली। हमें उसे जल्दी से ढूंढना होगा। बघीरा और मैं इस तरफ जाते हैं। इस तरफ चलते हैं दार्जी। छोटा, 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 कहाँ हो तुम? मेरा पेट। का ये मत कहना कि तुमने छोटा को खा लिया है। काश ऐसा होता, पर ये एक पत्थर है जिसे कछुआ समझकर मैंने निकल लिया। और अब देखो, पता है क्या, किसी पर ऐसे इल्जाम लगाना और किसी के पेट पर पैर रखना अच्छी बात नहीं। मैं जाकर बलू को लेकर आती हूँ। मोगली, हिलना मत। उसका कोई चांस नहीं है, चिंता मत करो, मैं यही मिलूंगा। रुक जाओ, गुदगुदी हो रही है, गुदगुदी। अच्छा हुआ, शुक्रिया मोगली। शुक्रिया डार्जी, तुम्हारी वजह से ही मुझे बल्लू का सबक याद आया। हम छोटा को ढूंढ रहे हैं, अगर तुम भूल गए हो तो। मैं जानता हूँ, मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूँ। उस गुदगुले शैतान ने मेरा शिकार बर्बाद कर दिया, उसे सबक मैं सिखाऊंगा। हरजीत,
छोटा को अकेला छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें मुझसे निपटना होगा। जल्दी मोगली, इससे काम नहीं बनने वाला, उसे भी पेड़ ऊपर चढ़ना आता है। चिंता मत करो, मैं उसके लिए यहाँ ऊपर नहीं आया हूँ। बल्लू का एक और शानदार सबक, हनी बैजर्स इस फल की खुशबू नहीं झेल पाते जब ये पका हुआ होता है। हरजीत उस दिशा से आया था। छोटा छोटा, छोटा ने बड़े बिगीज को डरा दिया। प्लीज मिस्टर टाइगर, मुझे छोड़ दो। नहीं, छोटा छोटे जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ओ प्यारी बिल्ली। ये सच है कि तुम बहुत डरावने हो। बताओ, क्या तुम मेरी मदद करोगे एक बदमाश को डराने में जो मुझे परेशान करता है? ओ, पर शायद उसे तुमसे डर नहीं लगता। हाँ, उसे छोटा से डर लगेगा। कौन है वो? उसने हमारे कुछ पंख चुराए थे। हाँ, पर साथ ही उसने हमें हरजीत के हमले से भी तो बचाया था वीरा। मुझे उसे शुक्रिया कहना था, पर वो टबाकी के साथ चला गया। छोटा टबाकी के साथ गया है? वो किस तरफ गए हैं? उस तरफ। चलो डार्जी, जल्दी। कहाँ है वो बदमाश? तुम इस पिल्ले को मेरे पास क्यों लाए हो टबाकी? रुकिए जरा, इसकी दहाड़ तो सुनिए मालिक। इसे लगता है कि ये जंगल में सबसे डरावना है। मुझे लगा शायद आप इसे बताना चाहें कि ये जगह पहले ही ली जा चुकी है, और ऊपर से आपको दोपहर का लंच भी नहीं करना पड़ेगा। इसमें हिम्मत है, दिल को छू लेने वाली। इसे देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। तो फिर चलो नन्हे बिल्ले, मुझे दिखाओ तुम हमला कैसे करते हो। बिल्कुल बुरा नहीं है, तुम जैसे एक पप के लिए। मैं सोच रहा था कि बचा हुआ खाना मुझे मिलेगा। सब्र करो टबाकी, मुझे अपने खाने से खेलना पसंद है। इतनी यादें बहुत है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली टाइगर कैसे हमला करता है। और मैं तुम्हें बताऊंगा कि बलू ने तुम जैसे बदमाश से निपटने का क्या तरीका बताया है। सच में मैं जानना चाहता हूँ उस मोटे भालू ने तुम्हें क्या सिखाया है। ये मेरी मूछे। बल्लू ने ऐसा करने को कहा था? बिल्कुल नहीं, अभी दिखाता हूँ उसने क्या कहा था। लगता है आखिर में जीत मेरी ही हुई है। तुम्हारी जो हालत है उसमें फिलहाल तुम कोई भी खेल खेलने लायक नहीं बचे हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो डाइटिंग जरूर करता। मोगली, छोटा, अब तुम्हें समझ आया कि क्यों तुम्हें हर तरह के खतरे से बचने के लिए हमेशा बल्लू की बात सुननी चाहिए?
माफ करना बल्लू, छोटा अब सुनेगा बल्लू और उसके सबक को। कोई बात नहीं छोटा, पर तुम्हें भी मुझे एक सबक सिखाना होगा, एक बड़े नाराज भालू से कैसे बचा जाए। छोटे बच्चे, प्यारे बच्चे, जल्दी ही आओगे बाहर। डैडी बस आते ही होंगे, वो तुम्हारे घोंसले को और भी सुंदर बनाने के लिए कुछ ढूंढने गए हैं। रंगू, हमारा अंडा। गुगू, मेरी प्यारी, मैं हूँ ना, मैं उसे ढूंढूंगा, उसे ढूंढूंगा सब जगह। एक, दो, तीन, हरा केला। रास्ते से हट जाओ। लाली, मैंने तुम्हें हिलते हुए देखा। रंगू मुझसे टकरा गया था। हट जाओ। तुम मना नहीं कर सकती लाली, इस बार तुम पक्का हिली थी। लेकिन तुम तो गिन भी नहीं रहे थे। रुक जाओ, तूफान हमारा अंडा उड़ा कर ले गया, बहुत ही बुरा हुआ, वो लुढ़क कर कहीं भी जा सकता है। यही अंत है, सोचो एक छोटा सा मासूम सा बच्चा अपने अंडे के अंदर हमारे बिना बिल्कुल अकेला सहम और घबराया हुआ, क्या होगा उसका। मोगली हमारी मदद करो। बिल्कुल, अब घबराओ मत, हम उसे ढूंढ लेंगे। मेरी तेज नाक और मोगली के शातिर दिमाग की मदद से हम उसे चुटकियों में ढूंढ लेंगे, है ना? क्या वहाँ कोई है? सॉरी। उम्मीद है हमारा बच्चा ज्यादा डरा हुआ नहीं होगा इस घने जंगल में। गोगू, गोगू, डैडी के पास वापस आओ। अरे हाँ, हवा, हमें हवा की दिशा में जाना चाहिए। बिल्कुल, अगर हम हवा की दिशा में चलें, हमें मिल जाएगा गोगू। मुझे पता था तुम सबसे बेस्ट हो। ओह, मुझे घोंसला दिखाई दे रहा है। तबाकी तो यहाँ था, पर अंडे का कोई पता नहीं। अगर अंडा यहाँ नीचे गिरा होगा तो शायद तबाकी उसे ले गया होगा। तबाकी, वो सियार, अब क्या होगा? सांस लो रंगू, रुक जाओ, इतना काफी है। सांस लो डार्लिंग, तुम्हें सांस लेनी होगी। चलो तबाकी को ढूंढते हैं अभी। और अब तुम पहुँचोगे मेरे पेट में। बताना चाहोगे तुम किसके साथ खेल रहे हो तबाकी? कुछ नहीं, क्यों, कुछ भी तो नहीं मालिक, कुछ भी नहीं। मुझे बताओ तुम क्या छुपा रहे हो अभी और इसी वक्त। और बेहतर ताजा मांस। जाओ, मैंने कहा, मैंने तुम्हें बख्श दिया, तुम जा सकते हो। मैं खूंखार टाइगर हूँ। क्या चाहते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ? मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ, मैं हूँ शेर खान, एक टाइगर। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, चलो अपना रास्ता नापो। डैडी,
पर अगर ऐसा है तो मैं सिखाऊंगा कैसे बनते हैं खूंखार एक टाइगर की तरह। ये बुरा नहीं था जूनियर, पर तुम्हें और गुस्सा दिखाना होगा, समझे? ऐसे। कहीं शेर खान हमारे बच्चे को खा तो नहीं गया होगा। तुम जाओ, हम यहीं छुपते हैं। ये तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। मैं इसे संभालती हूँ और इसे शांत रखती हूँ। अंडा फूट गया। इस तरह से तुम अपना फर साफ कर सकते हो। खूबसूरती तुम्हारे शिकार को पसंद आएगी। और अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि शिकार कैसे करते हैं। आप कितने स्ट्रॉंग हो डैडी। मालिक, मालिक। बेवकूफ सियार कहीं के, तुमने जूनियर का लेसन बर्बाद कर दिया। लेकिन मालिक। चुप। मैं तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। आ जाओ जूनियर, कोई बात नहीं, हम दूसरा शिकार ढूंढ लेंगे। जूनियर, मालिक, मोगली आपकी गुफा में है और मैं, मुझे अभी भी भूख लगी है। मोगली, वो कौन है? ट्वीट ट्वीट। जिससे तुम्हें दूर रहना चाहिए। हम रेंगू और नारगू को ये खबर कैसे सुनाएंगे? शेर खान मुझे अपने आसपास भी नहीं देखना चाहता। उसे तो अब तुम्हारी भी जरूरत नहीं है मोगली। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? हम बर्बाद हो गए। तुम एक बच्चे को कैसे खा सकते हो? हे, गुस्सा मत करो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, शेर खान ने किया है। ओह नो, शेर खान गुगू को खा गया, वो बच्चा जो अंडे के अंदर था। उससे भी बुरा, उसे लगता है कि वो उसका बेटा है और उसने तय किया है कि वो उसे सब कुछ सिखाएगा और उसे अपने जैसा टाइगर बनाएगा। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो चलकर खुद देख लो ना। तुम बहुत जल्दी सीख गए जूनियर, बहुत खूब। चलो अब थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं। मैं थकी नहीं। पर सोने से हमारी ताकत बढ़ती है, सोने से हम और भी निडर लड़ाकू बनते हैं। मैंने कहा था ना, उस पंछी ने मेरी जगह ले ली है। क्या तुम्हें लगता है मोगली और लाली ने गुगु को ढूंढ लिया होगा? गुगु, हमारा प्यारा और छोटा बच्चा। छोटे बच्चे, प्यारे बच्चे, जल्दी ही आओगे बाहर। जूनियर को मुझे वापस दे दो। वो तुम्हारा जूनियर नहीं है। आओ। बहुत अच्छे जूनियर, शाबाश। पर तुम एक टाइगर नहीं हो, तुम एक पंछी हो। बहुत अच्छे, अब वक्त है तुम्हारे अगले लेसन का। जूनियर, इंसान के बच्चे को कैसे खाएं? छोटे बच्चे, प्यारे बच्चे, जल्दी ही आओगे बाहर। छोटे बच्चे, प्यारे बच्चे, जल्दी ही आओगे बाहर। आह, मेरा बच्चा, मेरा गुगू। समझ नहीं आता कि वो झिझक कैसे सकता है। चुप। डैडी, वो लोग आ गए। उड़ते हुए डैडी, उड़ती हुई मम्मी। बिल्कुल, वो चाहता है कि तुम तीनों उसके माँ बाप बनो। जूनियर,
तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे। पर मैं कुछ बांटता नहीं, मैं शेर खान हूँ, एक खूंखार टाइगर जिसका दिल नहीं है। अब तुम्हें अपने पंछी माँ बाप मिल गए हैं, जाओ अपनी जिंदगी जियो। शुक्रिया मेरे दोस्तों, हमारा परिवार फिर से एक हो गया तुम्हारी बदौलत। प्यारा नन्हा गुगू टाइगर की तरह गाता है। क्या तुम्हें सचमुच अभी जाना होगा? बाद में बहुत गर्मी हो जाएगी, मेरी बुढ़ी हड्डियाँ कभी गलती नहीं करती। ओह, तुम अब हाथियों की कब्र में जाने के लिए तैयार हो? मैं बुढ़ा हो गया हूँ। पर मेरे उस बदमाश भाई के जितना तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारा भाई? हाँ, वो तो कोई 200 साल बूढ़ा होगा। पर वो अभी भी अच्छी हालत में है। मैं जानता हूँ कि मुझे जल्दी चले जाना चाहिए था, पर जब याददाश्त काम करना बंद कर दे, वेल, अब मैं ज्यादा दिन नहीं रुकने वाला। मैंने अभी बच्चों को नहीं बताया है, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं जा चुका हूँ। हेलो गजिनी, आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। हाथी आज सुबह ही चला गया, वो अपने भाई से मिलने गया है, वो फिर से उसका जन्मदिन भूल गया। दुर्घटना से देर भली, और ये बिल्कुल सही वक्त पर हुआ है। मैं इस मौके का इस्तेमाल करना चाहती हूँ एक सरप्राइज देने के लिए। जरा सोचने दो, तुम अपने सियोनी पहुँचने का जश्न मनाना चाहती हो, है ना? हाथी शायद भूल चुका होगा, पर उस दिन उसने मुझे कमल का फूल दिया था, तो ये सब के लिए एक शानदार सरप्राइज होगा। मैं यही करना चाहती हूँ क्लासरूम में, तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा आइडिया है, इसे अपना ही घर समझो। और कौन जानता है, सिर्फ अप्पू और हीटा को। मुझे सरप्राइजेस बहुत पसंद हैं। रही बात बघीरा और मोगली की, मैं ध्यान रखूंगा कि वो यहाँ ना आए। ओह, संभल के, दार्जी से बड़ा चुगलीखोर और कोई नहीं। मेरे बेचारे बल्लू, तुम्हें इस बारे में कुछ करना चाहिए। तुमने सही कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं। मैं मोगली और बघीरा को भेजकर अपने लिए अजवाइन मंगा लेता हूँ। क्या उसने सुना होगा? उसका तो पता नहीं, लेकिन जंगल को मेरी इस बीमारी का पता चल गया होगा। नहीं, ये बहुत आसान है, मैं कुछ भी ढूंढ सकता हूँ। ठीक है मेरे होशियार पैंथर, अभी देखते हैं तुम कितने माहिर हो। अब बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? ओह, बहुत ही आसान है। हिटा ने माशा के केले चुरा लिए हैं और क्लासरूम में छुप रही है। बहुत खूब। बल्लू, तुम ठीक तो हो? उतना भी ठीक नहीं हूँ, मुझे बहुत तेज जुकाम हो गया है। क्या तुम मेरे लिए जाकर अजवाइन के फूल ला सकते हो? टोकरी में बहुत सारे हैं, मैंने कल ही देखे थे। हाँ, वैसे सच कहूँ तो तुम्हें चश्मे की जरूरत है मोगली, ये पूरी तरह खाली है। बस करो, ये सही वक्त नहीं है। नहीं, तुम्हें मेरे लिए अजवाइन के फूल लाने ही होंगे। मुझे माफ करना, मैं जानता हूँ वो जगह बहुत दूर है, पर ये बीमारी फैल सकती है। तो क्या? मुझे बीमारी से बहुत डर लगता है। तुम्हें इनके साथ जाना चाहिए टबाकी, अजवाइन के फूलों से तुम्हें भी राहत मिलेगी। आराम से, तुम खुद को बीमार कर लोगे। ये तो बहुत बुरा हुआ, क्या तुम्हें नहीं पता? वेल, हाथी बलू, सच कह रही हूँ मैं, उसे कम से कम 100 सालों से जोरदार जुकाम है, पर ये बहुत पुराना है। मुझे यकीन ही नहीं हुआ, वो पहले तो ठीक लग रहा था, पर उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये बात मैं तुम्हें बता रही हूँ। बलू को शहद, अजवाइन और आराम की जरूरत है। मैं तुम्हारी जगह होती तो मुझे बहुत चिंता होती, एक बीमारी जो यूं ही कहीं से बिना किसी चेतावनी के हो जाए, सबको हो सकती है। मैं बता रही हूँ, ये बीमारी सिर्फ बूढ़ों को ही नहीं होती। बस अब बहुत हुआ, जाओ और कहीं और जाके चिक चिक करो, तुम सबको डरा रही हो। ठीक है, यहाँ कुछ बहुत बुरा हो रहा है और किसी को परवाह नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं जा रही हूँ। हाँ, ऐसा ही है, अब तुम जाओ।
और करीब मत आना। और ये क्या रंग पोत रखा है? लगता है जंगल में कोई बीमारी फैल रही है। बलू बीमार है और हाथी भी। मैंने उसे जाते हुए देखा अपने आखिरी कदम लेते हुए हाथियों की कब्र की तरफ। बेचारी कचनी रो रही थी। ये सब क्या हो रहा है, जरा समझाओ मुझे। पहली बात तो ये कि ये सब कुछ सच है। बघीरा और मोगली सबके लिए अजवाइन के फूल लाने गए हैं। मुझे लगता है ये कोई महामारी है। और मैं कैसे मान लूं कि ये सब सच है? भरोसा नहीं है तो खुद जाकर देख लो। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। और अगर वो बुड्ढे सच में बीमार हैं, तो उनसे छुटकारा पाना बच्चों का खेल होगा। ओ शेर खान हाथी को ढूंढने गया है। ये बहुत बुरा हुआ। ये सब मेरी गलती है। मैंने शेर खान को सब कुछ बता दिया और वो दौड़ कर गया है। तुम्हें पता है किस तरफ? अगर हम जानते हाथी कहाँ है तो शेर खान से पहले वहाँ पहुँच जाते। आज हाथी नीली पहाड़ी की तरफ गया था, मैंने खुद देखा था। गजनी ने बलू को बताया तो पता चला बात बहुत सीरियस है। मुझे बहुत बुरा लगा। तुम यकीन कर सकते हो हाथी वो भी कब्र में? पर कुछ तो गड़बड़ है, ये सही दिशा नहीं है। नीली पहाड़ी पर तो हाथी का भाई पाशा रहता है, वो जरूर उससे मिलने गया होगा। वो कांटो वाला शॉर्टकट, शेर खान वहाँ से नहीं आ सकता, वो बहुत मोटा है। शायद हम उससे पहले हाथी तक पहुँच सकते हैं। नहीं रुको, तुम्हें यहीं रहना होगा। अगर शेर खान ने अपना इरादा बदल लिया और वो हाथी की बजाय बलू पर हमला करने आ गया तो? और अगर बलू वाकई बीमार है तो मैं उसे कैसे रोक पाऊँगा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं सबको क्या बताऊँगी? कुछ नहीं, तुम मेरे साथ आ रही हो। मैं नहीं चाहता कि तुम सारे जंगल को कुछ भी बताओ। और शायद मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन भी है। ऊपर देखो, सब कुछ बिगड़ गया है। जुकाम का आइडिया कैसा रहा? उन्होंने यकीन कर लिया? वो मेरी कहानी को सच समझ बैठे। हमें बहुत देर हो गई, मुझे पता था। ये सो रहा है हाथी, चलो उठो। मैं ठीक हूँ मोगली, मुझे सोने दो। तो शायद ये कोई महामारी नहीं है, पर मैंने अपनी आंखों से देखा था। एक पल बलू ठीक था और अगले ही पल वो बीमार पड़ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, हमें शेर खान के बारे में भूलना नहीं चाहिए। तुम्हें यकीन है वो यहीं आ रहा है? मैंने उसे अपनी आंखों से निकलते हुए देखा था। वो ये देखना चाहता था कि हाथी मरा या नहीं। मैं जानता हूँ शेर खान को कैसे भरोसा दिलाया जा सकता है कि ये सच है। अच्छा है ना? पर अगर तुम्हारा प्लान काम कर गया तो शेर खान हमारे दोस्तों की तरफ चला जाएगा। हाँ, और यही तो मेरा प्लान है। ये बगी के पास ले जाओ, सिर्फ वही इसे समझ सकता है। जल्दी। उप्स, वो देखो चुगलखोर। चिंता मत करो, हाथी मरा नहीं है। मोगली भी नहीं मरा। मैं बघीरा को ढूंढ रही हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? क्या वो खतरे में है? कहाँ पर? क्या तुम बीमार नहीं हो? वो तो बस नाटक कर रहा था, पर तुमने ऐसा क्यों किया? अब 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 बघीरा! मैं सब कुछ बाद में समझाता हूँ, पर पहले हमें कहीं छुपना होगा। शेर खान प्लीज मेरी मदद करो। मैं यहाँ अकेले हाथी की तरह नहीं मरना चाहता, मुझे बलू के पास ले चलो। तुम जरूर मजाक कर रहे हो ताकि मुझे ये बीमारी लग जाए। रहा सवाल उस बुड्ढे बीमार भालू का, मैं उसकी बोटी बोटी कर डालूंगा। चैटर बॉक्स सही कह रही थी, मेरे सारे दुश्मन खत्म, जंगल से एक साथ गायब। अब यहाँ मेरा राज होगा। बल्लू, क्या यहाँ कोई है? वो सब कहाँ है ताकि मैं उन्हें ये खबर दे सकूं? आओ अपने नए मालिक का स्वागत करो। क्या यही तुम्हारा राज है? ये बीमारी से भरा हुआ है, सब मर चुके हैं। बदमाश, बदमाश! तुम कौन हो जिसने इस राज्य में कदम रखने की हिम्मत की?
ठीक है सब लोग, खतरा टल गया, शेर भाग गया है, तुम बाहर आ सकते हो। मुझे माफ करना मोगली, मैंने तुमसे ये राज छुपाया। हम तो बस हाथी को एक सरप्राइज देना चाहते थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम सब खतरे में पड़ जाओगे। तुम नहीं होती तो मैं सबको वक्त पर खतरे के बारे में नहीं होशियार कर पाता। पर एक मिनट, तुम नहीं होती तो ये सारी अफवाहें फैली ही नहीं होती। मैंने भी झूठ बोला था, दरअसल मैं पाशा से मिलने नहीं गया था तुम्हारे लिए। तुम भूले नहीं? शुरू करो अप्पू। मैं जीत गया। मेरी तरफ, मेरी तरफ। बहुत अच्छे मोगली। चलो हीटा, उसे फेंको। और जोर से फेंको। फेंको फेंको, पर इसमें बिल्कुल मजा नहीं है। मोगली और बगीना दोनों सेकंड प्लेस पर हैं, पर जीत हुई है ट्रिकी की। हे, तुम क्या कर रही हो? मैं बोर हो रही हूँ, मैं बेवकूफों की तरह बनानास नहीं फेंकना चाहती। तुम बहुत मोटी हो। उस पर ध्यान मत दो, वो बस इतरा रहा है क्योंकि वो पहला राउंड जीत गया। आ जाओ हमारे साथ खेलो, उसे फेंको, तुम बहुत अच्छा कर सकती हो। अप्पू भी बहुत अच्छा फेंकता है, तुम्हें हम दोनों की जरूरत नहीं है। जरूरत है, ऐसे ज्यादा मजा आता है। वैसे भी तुम्हारे साथ खेलना हमें अच्छा लगता है ना बगीरा? हाँ, और हमें दो फेंकने वालों की जरूरत है। सिर्फ तुम्हारे जैसे अच्छे फेंकने वाले ही केले को ऊपर तक पहुँचा सकते हैं। अब चिढ़ना बंद करो, वो एक बंदर है, वो हमेशा बकवास ही करता है। मैं चिढ़ नहीं रही, पर मैं मोटी और भारी हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम मेरे जैसी हो। हम बड़े और ताकतवर है क्योंकि हम हाथी हैं। नहीं, हम ग्रे और मोटे हैं और हम भी नहीं सकते। मैं जमीन को देखते देखते अब थक चुकी हूँ, अब मैं आसमान देखना चाहती हूँ। मैं यही चाहती हूँ, हल्का होना, जैसे कि वो। उड़ने के सपने मत देखो और बड़बड़ाना बंद करो, हमारे साथ आकर खेलो। मैं कभी नहीं देख पाऊंगी कि वहाँ पर क्या होता है बादलों में। तुम्हारी बारी बघीरा। 2 3। बहुत खूब बगी। Oh no! तुम कहाँ जा रही हो? खेलने? क्या मैं आ सकती हूँ? तुम उड़ना चाहती हो? तुम्हें मेरी मदद चाहिए? देखो ये आसान है। इतने बड़े कानों के साथ शायद तुम उड़ पाओ। उन्हें हिलाने की कोशिश करो। चलो, शायद इससे काम बन जाए। मुझे बस अकेला छोड़ दो। जाओ कहीं जाकर उड़ो। वो कहाँ चली गई? पता नहीं, उस तरफ या फिर इस तरफ, मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें देख रहा था, हमारे पेरेंट्स ने कहा था कि अलग मत होना। हीटा और मुझे साथ रहना था और मुझे उसका ध्यान रखना था। बहुत अच्छे, तुमने चिढ़ा कर उसका दिल दुखा दिया और अब हम नहीं खेल सकते। मैं बस मजाक कर रहा था, मुझे हीटा सच में पसंद है, भले ही वो थोड़ी सी मोटी है। चलो अप्पू, चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। चलो हम चलकर वहाँ ढूंढते हैं। और हम इस तरफ ढूंढते हैं। हे, अपने बड़े से पैर जरा संभाल के रखो, गवार कहेंगे। हे मोटू, वो मेरा बच्चा है जिसे तुमने बस कुचल ही दिया था। सॉरी, मैंने उसे देखा नहीं। खैर जाने दो अप्पू, तुम्हें अपने बच्चों पर ठीक से नजर रखनी चाहिए जकाला। ये मेरा इलाका है बगीरा, अगर तुम मुझे यहाँ दोबारा दिखाई दिए तो उस दिन मेन्यू में हाथी होगा। आई बात समझ में? तुम मगरमच्छों का हमेशा स्वागत है। चलो अप्पू, चलकर हिटा को ढूंढते हैं। हीटा, हीटा! किसे ढूंढ रहे हो तुम? बलू, बगीरा? नहीं, हीटा को। तुमने उसे देखा है? हाँ बिल्कुल, वो गुस्से में दलदल की तरफ जा रही थी। मैं उसे बुलाकर लाती हूँ।
हीटा, हीटा छिपना बंद करो, हीटा। गजल कट्स। देखो, उसने ब्रिज तोड़ दिया। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुमने मेरे गजल कट्स की चटनी बना दी थी अपने बड़े बड़े गवार हाथी वाले पैरों से। वो कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है? मैंने किसी की चटनी नहीं बनाई। मैंने तुम्हें चेताया था, चलो बच्चों ऊपर चल जाओ। नहीं, ये बहुत मोटी है और ताकतवर भी। यख, तुम्हें जो मिले वो खाओ। एलिफेंट्स के पैरों में विटामिन्स भरे होते हैं। क्या आपने उसके बड़े कान और रंग देखे और उसकी नाक? बकवास, ये तो कोई अजीब सा चूहा लगता है जिसकी पूंछ सामने हो। मुझे चूहे पसंद नहीं। मैंने किसी को नहीं पिचकाया। अच्छा तो क्या मैं सपना देख रहा था? मैं हाथी को देखते ही पहचान लेता हूँ। तुम बघेरा के साथ थी और तुमने गजल गट्स को पिचका दिया था। घबराओ मत हीटा, मैं मदद मांग कर लाती हूँ। बघेरा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, शायद ठीक हूँ। ये यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुम्हारा पीछा किया, उसके जितना ताकतवर बनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे सिखाओगे? मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है। क्या तुम ऊपर चढ़ सकते हो बघेरा? नहीं, मेरा पंजा मुड़ गया है। काटने के बारे में भूल कर भी मत सोचना। ऊपर चढ़ जाओ बघेरा। मेरा वजन काफी ज्यादा है, तुम मुझे उठाकर चल नहीं पाओगे। आजमा लो। अप्पू, हीटा। क्या तुम्हें हीटा मिली? तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं लाई? ब्रिज टूट गया और चकाला। चकाला? हमें जल्दी चलना चाहिए। रोना धोना बंद करो और मुझे बताओ कि मेरा छुटकू कहाँ है। मुझे नहीं पता। जरा उस पेड़ को देखो वहाँ पर। अगर हमने उन पत्थरों को लुढ़का दिया तो हीटा के लिए पुल बन जाएगा। काश उस मगरमच्छ का ध्यान कहीं और हो। मैं उसे संभाल लूंगा और बच्चों को मैं। पकड़ लिया, अब मजाक उड़ा कर दिखाओ। आओ बच्चों, इसे खा लो। शानदार, मुझे उसकी पूंछ चाहिए और मुझे उसके कान चाहिए। उस मोटे हाथी को भूल जाओ। मेरा छोटू गजल गट्स मुझे लौटा दो और मैं इस बदमाश को छोड़ दूंगा। मोगली, इससे हट जाओ जल्दी। बहुत अच्छे, शानदार, बहुत अच्छे हीटा। शायद मूंछ हो सकती है। अप्पू, इसे बलू के पास लेकर जाओ। बेशक वो ले जा सकता है, वो बहुत ताकतवर है। वो मुझे भी अपनी तरह ताकतवर बनना सिखाएगा। मुझे पूरा यकीन है, पर देखो तुम्हारा परिवार इंतजार कर रहा है। एक हाथी के जैसे दूसरे हाथी के सिवाय कोई और नहीं दिख सकता। मुझे दो दो दिखाई दे रहे हैं। तुम कहाँ थे? उस हाथी के साथ, वहाँ उस बड़े वाले के साथ। मैंने उससे पूछा कि क्या वो मुझे अपनी तरह ताकतवर बना सकता है। वो बिल्कुल लाजवाब था। सिर्फ तुम ही उस बड़े पेड़ को इतनी आसानी से हिला सकती थी। शुक्रिया। वाओ, तुम वाकई ताकतवर हो हीटा। कभी कभी मैं बकवास कर जाता हूँ,
पर, मैं सिर्फ मजाक करता हूँ। मुझे लगता है तुम बहुत अच्छी हो और मैं तुम्हारी तरह बनना चाहूँगा। जल्दी 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 सफाई करो, क्योंकि सफाई करने से कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं होता। तुम दोनों भी ये लो, इस तरह देखना बंद करो और सफाई में जुट जाओ। हाय दोस्तों, ब्रेक लेकर थोड़े फल खाना चाहोगे? एक केला आ रहा है। मुझे हरे केले बहुत पसंद है। शुक्रिया मोगली। तुम बहुत अच्छे हो मोगली। पता नहीं इन्हें मोगली में क्या दिखाई देता है। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हाय मार्शा, ये लो, क्या तुम भी एक? ओ नहीं नहीं नहीं, शुक्रिया मोगली। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता यहाँ हम सब काम कर रहे हैं? लगता है बंदरों को खेलना कूदना पसंद नहीं है। मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर पार्टी चल रही होगी। पार्टी टाइम, पार्टी टाइम, पार्टी टाइम, पार्टी टाइम, पार्टी टाइम। मशहूर होना बहुत ही आसान काम होता है। एए, मैं एक पार्टी क्यों नहीं रखती? मेरी अपनी पार्टी, ठीक यहाँ सारे जानवरों के लिए। मैं सपना देख रही हूँ या सच में माशा ने पार्टी कहा? हे सब जानवर सुनो, छोटे और बड़े, माशा बोल रही हूँ। मैं एक बड़ी पार्टी देने वाली हूँ। माशा, मेरा छोटू बीमार है। कौन सा छोटू? यूहू, एक बड़ी पार्टी के बारे में क्या ख्याल है जिसमें गेम्स होंगे और मजे करेंगे? क्या मोगली वहाँ होगा? नहीं, मुझे और भी काम है। हे, मैं फ्री हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ? क्या वहाँ नाश्ता फ्री है? मैं पार्टी दे रही हूँ, क्या कोई सुन रहा है? मैं पार्टी दे रही हूँ, वहाँ सबको बड़ा मजा आएगा। क्या मोगली आ रहा है? पूनिया, तुम तो मेरी पार्टी में आ रहे हो ना? हाँ, क्या मोगली आ रहा है? क्या मोगली आ रहा है? क्या मोगली आ रहा है? क्या सबको उसी की परवाह है? मैं आ सकता हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ? बताओ क्या आ सकता हूँ? तुमने कहा था कि वहाँ नाश्ता भी होगा। अरे तुम परेशान दिख रही हो, चेहरा उतरा हुआ क्यों है? तुम इतने मशहूर क्यों हो मोगली? मैं एक बड़ी पार्टी देने वाली थी पर। एक पार्टी? वाओ, शानदार आइडिया है। तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल, तो इसलिए आज इतनी सफाई चल रही थी। पर अब पार्टी नहीं होगी, कोई आना नहीं चाहता। क्या मतलब है तुम्हारा? पार्टी की इनविटेशन को कौन मना करता है? एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। तुम सारी तैयारियां करो, बहुत काम करना होगा जो तुम अच्छे से कर सकती हो। well, वैसे तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं चीजों को जमाने में बड़ी माहिर हूँ। तो मैं जाकर इनविटेशंस देकर आता हूँ। तो फिर ठीक है, चलो जाओ और काम पर लग जाओ। हेलो, क्या अंदर कोई है? अपनी मूछें चमका लो, बंदर आज रात एक बहुत बड़ी पार्टी दे रहे हैं। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊँगा मोगली। ए, वहाँ पर, आज रात माशा की पार्टी में अपनी पूंछ थिरकाना चाहोगे? मेरे पैर तो अभी से नाच रहे हैं। ऊ बू, चलो भी, शर्माओ मत, आज रात एक पार्टी है, शेल से बाहर निकलो। पुरानी गुफा में मिलता हूँ। वो सब वहाँ जाने वाले हैं। Ha 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 ha!
वाओ, ये फूल तो बहुत सुंदर हैं। इतनी जल्दी लौट आए? जानती हो, पार्टी में हर कोई आने वाला है। क्या सब? सच में वीरा, रवि और पोनिया भी? हाँ हाँ, हर कोई। अच्छी खबर है, है ना? तुम्हें कोई मना कैसे कर सकता है? हाँ, मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ, तुम्हें पार्टी का इनविटेशन नहीं है। सही सुना इंसानी बच्चे, जानवरों की पार्टी में तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम मजाक कर रही हो, है ना? सबको बुलाने के लिए शुक्रिया, पर अब यहाँ से जाओ, हमें बहुत सारे काम करने हैं। ये तो गलत बात है। तुम माशा को तो जानते ही हो, उसके दिन अच्छे नहीं चल रहे, पर जंगल में और भी पार्टीज होंगी। मैं उसकी पार्टी में नहीं जाने वाला। जब मैं सबको बताऊंगा उसने क्या किया, कोई नहीं जाएगा। नहीं, तुम सब बर्बाद कर दोगे और फिर किसी को मजा नहीं आएगा। तुम जाओगे, है ना बलू? वहाँ पर खाने के लिए बहुत कुछ होगा और तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे बागी। ठीक है। वो ठीक हो जाएगा, उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। वहाँ बहुत सारे गेम्स और सजावट होने वाली है, ये एक बहुत ही मजेदार पार्टी होगी मालिक। बेवकूफ कहीं के, ज्यादा बड़बड़ की तो मैं तुम्हें बताऊंगा मजेदार किसे कहते हैं। एक जबरदस्त दावत आप जैसे राजा के लिए बिल्कुल सही मालिक। और वो सब वहाँ होंगे? वेल, सब सिवाय मोगली के, वो इनवाइट नहीं किया गया। लेकिन बाकी सारे जानवर वहाँ होंगे। परफेक्ट। मुझे अभी से हड्डियों के चटकने की आवाज सुनाई दे रही है, याद दिलाना माशा को शुक्रिया कहना है। दाई तरफ चलो जल्दी। अरे शेर खान, वो तुम सब पर हमला करने की सोच रहा है, तुम्हें पार्टी कैंसिल करनी होगी। पार्टी कैंसिल करूं? और वो क्यों आ रहा है? क्या तुमने उसे बुलाया है? मजाक बहुत हुआ मोगली, तुम्हें बस जलन हो रही है, ये बहुत बुरी बात है। चलो अब जाओ यहाँ से, हमने तुम्हारी बातें बहुत सुन ली। समझ गया। मैं जानता हूँ बघेरा, मोगली के बिना बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। हाँ? क्या बात है, क्या तुम उसे पहचानते हो? इतनी शानदार पार्टी किसने रखी है? मैंने रखी है, मैं माशा हूँ, आपका स्वागत है। मेरा नाम है माओ, उत्तरी मकाक्स का दूत। जरा अपनी सही पहचान तो बताओ। एक उत्तरी मकाक? क्या बात है, क्या बीट है, बहुत अच्छे। शेर खान, कितनी डरावनी, अब मेरा मतलब है कितने सम्मान की बात है। एक पिकनिक, कितना प्यारा आइडिया है। यहाँ खेलने के लिए बहुत सारे गेम्स भी हैं। वेल, देखो मैं बहुत भूखा हूँ, एक स्वादिष्ट डिश मिल जाए तो मजा आ जाएगा। हाँ, तुम जरूर महान शेर खान होगे, तुम पूरे उत्तर में बहुत मशहूर हो, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आ रही है। हा? गेम शुरू की जाए, जीतने के लिए महान शेर खान के गले में माला फेंको। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। क्या हो रहा है? क्या?
तुम्हारे बिना क्या होता। पार्टी बचाने के लिए शुक्रिया। अब क्या, क्या मोगली? ओह, मुझे बहुत खुशी हुई माशा। ये तो मोगली है, वो हमारा अनजाना मेहमान था। शाबाश, बहुत अच्छे माशा, क्या शानदार सरप्राइज था। सच में ये बहुत ही अच्छा सरप्राइज था। ओह माफ करना मोगली, शेर खान के बारे में मुझे बात सुननी चाहिए थी। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि मुझे तुमसे जलन हो रही थी, क्योंकि तुम बड़े ही मशहूर हो। आप जाने दो। पार्टी शुरू की जाए। फिर चुप रहे, तुम्हें और थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बचाओ, कोई है यहाँ? हे, कोई है? बचाओ, जल्दी करो, कोई बचाओ मुझे। बचाओ, कोई है? जल्दी करो। अरे नहीं, मैं गिरने वाली हूँ। थोड़ा सा आगे आओ, थोड़ा और आगे, और करीब आओ। मैंने कहा और करीब। कितने अजीब हो तुम छोटी छोटी टांगों के साथ। जल्दी करो, और करीब। ये इतना मुश्किल भी नहीं है, तुम मेरी मदद नहीं कर रहे। पर मैं गिरने वाला हूँ। मेरा शहद, पीछे हट जाओ। पास आओ। किसी काम के नहीं हो अजीब कांटों वाले, तुम बिल्कुल गवार हो। भागो यहाँ से। हे, नहीं सुनो, वापस आओ, अभी इसी वक्त यहाँ वापस आओ। आखिर हो क्या रहा है? वहाँ बूढ़ी खड़ूस भालू है, वो पहाड़ी से लटक रही है। मैंने उससे बुरी भालू आज तक नहीं देखी। अब उसे अपने आप ही ऊपर आना होगा। सुनो, वापस आओ। देखो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे ऐसे ही नीचे नहीं गिरने दे सकता। माना कि वो बहुत बड़ी मुसीबत है, पर वो हम में से ही एक है। बाद में मत कहना मैंने तुमसे कहा नहीं था। बलू कहाँ है, कहाँ गया? मुझे तो आज वो मूड में भी नहीं लग रहा था। पता नहीं आजकल वो हमेशा थका हुआ और उदास सा दिखाई देता है। उसे ढूंढ कर आता हूँ, फिर हम मछली पकड़ेंगे। उसमें कम थकान होती है और उसे मछली पकड़ना पसंद भी है। अच्छा आइडिया है, मैं तुम्हें नदी पर ही मिलता हूँ। मेरा शहद, तुमने लगभग इसे गिरा ही दिया था। ये सही दिख रहा है। यम, क्या शानदार खुशबू है। मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम मेरे आज तक के सबसे अच्छे शहद के टुकड़े हो और मैंने तुम्हें बस खो ही दिया था। तुम गिर सकते थे वहाँ और मैं भी नीचे गिर जाती। बल्लू, बल्लू। तो तुम यहाँ हो, मछली पकड़ने चलोगे? हमें तुम्हारी जरूरत है। पूरे जंगल में ये काम तुमसे बेहतर कोई नहीं करता। पिछली बार तुमने बहुत बड़ी मछली पकड़ी थी, वो इतनी बड़ी थी, तुम्हें याद है ना? इतनी बड़ी मछली मैंने कभी नहीं देखी थी। उसे खाने में भी बहुत मजा आया था। मैं बल्लू को ढूंढ रही हूँ, क्या तुमने उसे कहीं देखा है? तुम फिर से, क्या चाहिए तुम्हें? बल्लू, मैं उसे शुक्रिया कहना चाहती हूँ, उसने मेरी जान बचाई थी ना। वो तुम्हारी तरह भागा नहीं, पर जाने दो, हम उस बारे में भूल जाते हैं। मेरे पास उसके लिए थोड़ा शहद है, एक छोटा सा तोहफा, क्योंकि वो अच्छा है, मददगार है और काफी हैंडसम भालू है। मैंने पहले कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। बिल्कुल वो है, मैंने उसे उस इंसान के बच्चे के साथ उधर जाते देखा था। तुम जानती हो बल्लू बहुत नरम दिल भालू है, पर सभी भालुओं की तरह वो उसे छुपा कर रखता है। वो इतनी जल्दी चला गया। वो नहीं चाहता था कि तुम देखो उसे तुम्हारी कितनी फिक्र है, वो दिल की बात छुपा कर रखता है। मैं भी बहुत नरम दिल हूँ, क्या तुम्हें लगता है? हाँ, उसे तुम पसंद हो, ये बात तो पक्की है। बल्लू।
बताओ मेरे प्यारे टबाकी, तुम उस भालू को जानते हो ना? मेला या नेला? मेला, वो किसी बूढ़े ओरैंगटन जैसी दिखती है, पर उसे लगता है कि वो बेकार है, ये सच है। पर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शहद पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। आप कभी गलत हो ही नहीं सकते मालिक। बेला उस मीठे चिपचिपे लिक्विड के लिए कुछ भी कर सकती है, और वो उसे ढूंढने के लिए किसी भी ऐरे गहरे के साथ निकल सकती है। मैं तुम्हें कोई ऐरा गहरा लगता हूँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आप मुझ पर हमेशा भरोसा कर सकते हैं मालिक, मैं आपकी हमेशा मदद करूँगा। बहुत अच्छे मेरे प्यारे टबाकी, चलो अब काम शुरू करते हैं। घबराओ मत बेला, मेरे पास तुम्हारे फायदे की चीज है। वो क्या है? तुम्हें शहद पसंद है ना? मुझे एक ऐसी जगह मालूम है जहाँ बहुत ही स्वादिष्ट शहद है, जिसे पहले किसी ने भी चखा नहीं होगा। मुझे वो यूं ही मिल गया जब मैं मधुमक्खियों के करीब शिकार कर रहा था। ये उनका खास खजाना है जिसे वो अपने लिए बचा कर रखती है। और मुझे तुम्हारी एक छोटी सी मदद चाहिए। कैसी मदद चाहिए तुम्हें? तुम उस बुढ़े भालू को जानती हो ना? वैसे तो हमें उसे बिल्लू भी बुलाना चाहिए। मैंने यहाँ एक शिकार को देखा और वो बुढ़ा भालू मेरे रास्ते में आ रहा है। तुम्हें बस ये करना होगा कि वो मेरे रास्ते में ना आए। पर तुम बल्लू के साथ क्या करना चाहते हो? क्योंकि हो सकता है वो बाद में अपना गुस्सा मुझ पर निकाले। वो बहुत ताकतवर भालू है। मैं उसे कुछ नहीं करने वाला। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो मेरे रास्ते में ना आए। तुम्हें वो शहद चाहिए कि नहीं, मर्जी तुम्हारी है, पर सोचने में ज्यादा वक्त बर्बाद मत करना। ठीक है, पर इससे कोई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए, समझ गए? जैसे ही मैं अपने शिकार को पकड़ लूंगा तो मैं बता दूंगा शहद कहाँ है। आप कितने बुद्धिमान हैं मालिक। जैसे ही उस इंसान के बच्चे से सबकी नजर हटेगी, तुम उसे मेरे इलाके के करीब ले आना, समझे? मेरे प्यारे बलू, आखिर तुम मुझे मिल ही गए। मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम एक नए सिरे से शुरुआत करें। वैसे भी इस जंगल में हम दो ही भालू हैं और हमारी उम्र अब तो हो नहीं रही है ना। चलो दोस्त बन जाएं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मुझे एक जगह पता है जहाँ बहुत ही स्वादिष्ट शहद मिलता है, सबसे मीठा और सुनहरा, बहुत ही मुलायम, बेहद शानदार। और हमारी नई दोस्ती की निशानी के तौर पर मैं उसे तुम्हारे साथ बांटूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेला, पर मैं मोगली के साथ मछली पकड़ रहा हूँ। पर मुझे यकीन है कि तुम कुछ देर बल्लू के बिना काम चला लोगे। इंसानी बच्चे, मैं वादा करती हूँ उसे वापस ले आऊंगी जल्द ही। उसे कभी कभी एक दूसरे भालू के साथ भी वक्त बिताना चाहिए और अपनी उम्र के दोस्तों के साथ। जाओ बल्लू, ये तुम्हारे लिए कुछ नया होगा। बगी के साथ मैं रुकता हूँ। आसान नहीं है, है ना? मैंने बलू को बेला के साथ जाते देखा। ये थोड़ी सी चिंता की बात है ना? Well, नहीं, वो बस दोस्त बनाना चाहती है। लगता है वो बदल गई है और बलू इस वक्त उदास है। बेला के साथ उसे अच्छा लगेगा। भालू को कभी कभी दूसरे भालू के साथ वक्त बिताना चाहिए। तुम्हें पूरा भरोसा है उस पर? बेला अपने मतलब के लिए किसी से भी दोस्ती कर लेती है, जैसे कि शेर खान से भी। तुम्हें यकीन है वो बलू को किसी जाल में नहीं फंसा देगी? मैं तुम्हारी जगह होता तो उनके साथ जाता, इसमें हर्ज ही क्या है? मैं बगी के साथ जाता हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। वो कहाँ जा रहे थे? बहुत दूर नहीं, मधुमक्खियों की चट्टानों की तरफ। और अगर तुम नहीं होते और इक्की नहीं होता तो मैं मर चुकी होती। इसलिए ये शहद, मधुमक्खियाँ, जंगल वगैरह, मेरे यहाँ पर कोई नहीं। ये जगह शेर खान के इलाके के काफी करीब है। टबाकी, जंगल में अकेली कोई दोस्त भी नहीं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बल्लू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे घर के अंदर? बलू, बगी, बचाओ! Ooh.
गया था, अब तुम्हारे इंसानी बच्चे का एक और रक्षक है बल्लू, मैं। मैंने बेवकूफी की, पर मैं तुम्हें वो शहद देना चाहती थी। अगर तुमने बहादुरी ना दिखाई होती तो मोगली शेर खान का खाना बन गया होता। और फिर मैं भी तो शर्मीली हूँ, इकी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया। बल्लू इसे गलत मत समझना, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, पर मुझे अपनी गुफा की शांति ज्यादा पसंद है। मेरी गुफा में मैंने कुछ पुराना शहद बचा के रखा है किसी खास मौके के लिए, जैसे कि एक नई दोस्ती की शुरुआत के लिए। चलो बलू मछली पकड़ने, तुम्हारे बिना ये नहीं कर सकता। हाँ हाँ चलो, मैं भी अच्छी सी ताज़ा मछलियाँ खाना चाहता हूँ। हम तीनों एक शानदार टीम है। हाँ, और मेरे पास एक शानदार आइडिया है जो हमारी टीम एक साथ कर सकती है। आ जाओ नन्हे छोटा, तुम्हारे साथ खेलने के लिए बहुत सारे दोस्त होंगे। दोस्त? कौन दोस्त? वैसे उनमें से एक का नाम है क्या उन्हें भागना और पेड़ों पे चढ़ना पसंद है और कीचड़ में लौटना? उन्हें ये बहुत पसंद है, और शिकार को देखना, उन्हें पकड़ना और खाना। नहीं, वो बस मजाक के लिए ऐसा करते हैं। दोस्त कहाँ है? वहाँ पर, चलो। हे छोटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तबाकी के दोस्त मिलने आया हूँ। हो वाकई तबाकी के दोस्त है? शेर खान के अलावा जंगल में कुछ नए जानवर भी आए हैं, तुम किसी बच्चे को मजे करने से रोकना नहीं चाहोगे, है ना? हाँ, मुझे दिख रहा है भविष्य। तुम्हारा भविष्य दिख रहा है तबाकी? क्या देख रहे हो वैसे? मैं देख रहा हूँ कि तुम छोटा को शेर खान को देना चाहते हो, क्योंकि वही तुम्हारा इकलौता दोस्त है। शेर खान को? और मैं ये भी देख रहा हूँ कि जल्द ही तुम्हारी खुराफाती खोपड़ी उस बड़े पेड़ से टकराने वाली है वहाँ। क्या बकवास भविष्यवाणी है तुम्हारी, मैं तो ऐसा भविष्य देखना आसान है। ये हुआ कैसे? तुम्हें ये पता कैसे चला? क्योंकि मैं भविष्य बता सकता हूँ, और मैं ये बता सकता हूँ कि अब आसमान तुम्हारे सर पर गिरने वाला है। अब कहना मत कि बताया नहीं। मोगली भविष्य बताने वाला। मोगली भविष्य बताने वाला है। इससे मुझे खाना तो नहीं मिलने वाला। मैं देख रहा हूँ रटालू मेरे दोस्त राणा के लिए पत्थर के पास वहाँ पर। वाव मोगली, तुम तो सच में भविष्य बता सकते हो। लाजवाब, तुम बस अपने हाथ सर पर रखते हो, आंखें बंद करते हो और तुम्हें भविष्य दिखता है। हे भविष्य बताने वाले, क्या तुम्हें पता था कि हम तुम पर क्या फेंकने वाले थे? मैं देख रहा हूँ कि तुम दोनों झगड़ने वाले हो जल्द ही। मैं ये जरूर देखना चाहूँगी, हम कभी नहीं झगड़ते। और मैं देख रहा हूँ कि तुम दोनों में से एक ज्यादा बेवकूफ है। ये तो आसान है, मैं सबसे ज्यादा बेवकूफ हूँ। नहीं तुम नहीं हो, मैं हूँ। देखो मैं सबसे ज्यादा बेवकूफ हूँ। नहीं मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। वो टाइगर का बच्चा कहाँ है? मुझे भूख लगी है। मोगली भविष्य बताने वाले ने मेरा प्लान बर्बाद कर दिया मालिक। मोगली भविष्य बताने वाला, ये क्या कोई नया मजाक है? ये सच है, मैंने सब अपनी आँखों से देखा और सुना है, मोगली सब कुछ देख सकता है। उस इंसान के बच्चे ने तुम्हें क्या बताया कि तुम बहुत ही होशियार बनने वाले हो? और मैं आपसे होशियार हो ही नहीं सकता मालिक, पर ऐसी ताकत के साथ मोगली जंगल का राजा बन सकता है। हाँ जरूर, मुझे पता है, जाकर उससे मेरा भविष्य पूछो, क्योंकि उसका भविष्य तो मैं पहले से ही जानता हूँ। तुम कुछ भी बता सकते हो? क्या तुम ये बता सकते हो हम दोनों के कितने बच्चे होंगे? ताकि हम अपना घोंसला सुन सके, हमें एक बड़े घोंसले के बारे में सोचना चाहिए। वो बहुत छोटे छोटे होंगे, क्योंकि तुम ज्यादा बड़े नहीं हो। मुझे दिख रहा है बहुत सारे बदमाश बच्चे। क्या वो बहुत ज्यादा शैतानी करने वाले होंगे? नहीं, मतलब उन्हें खेलना पसंद होगा। बिल्कुल मेरी तरह जब मैं छोटा था। बड़ा घोंसला बनाना चाहिए, बच्चों को जगह की जरूरत होगी। हमारा भविष्य बताने के लिए शुक्रिया मोगली। मैंने सपने में देखा कि बेला के साथ हूँ और मैंने उसे गले भी लगाया। बहुत अच्छे, मैंने सपना देखा एक भालू मुझे गले लगा रहा था। लगता है तुम काफी भूखे हो,
क्या तुमने ये सब तोड़ा? उसकी जरूरत नहीं है, मैं भविष्य बताने वाला हूँ और ये सारी चीजें मुझे तोहफे में मिली हैं। एक भविष्य बताने वाला? तुम मजाक कर रहे हो, ये सब तुम्हारे पास ऐसे ही आ गया? तुम कहना चाहते हो भविष्य बताने के बदले में ये सारे फल तुम्हें मिल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा और वैसे भी मैं हमेशा सच बताता हूँ। ओह अच्छा, अगर तुम बाकी सबसे होशियार हो तो मेरा भविष्य बताओ। ये मेरी गलती नहीं है कि मैं। अब ये मत कहना कि मैं बड़ी सी मधुमक्खी बनने वाला हूँ जो भलू के लिए शहद बनाएगी। हाँ, मेरे भविष्य बताने से उन्हें खुशी मिलती है, वैसे भी मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई। क्या तुमने हम तीनों का भविष्य देखा है ओ महान भविष्य बताने वाले? क्या तुम जानते हो हम आज मछली पकड़ेंगे? अगर मेरा मजाक उड़ाओगे तो नहीं। ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारे नारियलों के साथ अकेला छोड़ते हैं। सबसे बड़ी बात, ये सच नहीं है, यहाँ कोई नारियल है ही नहीं। जल्दी चलो बलू, मुझे लग रहा है कि मैं मधुमक्खी बनने वाला हूँ। तो मोगली, मेरे ख्याल से तुमने जरूर मुझे आते हुए देख लिया होगा, है ना मेरे नन्हे भविष्य बताने वाले इंसान के बच्चे? क्या तुम भी जानना चाहते हो अपना भविष्य? कोई फायदा नहीं, मैं अपना और तुम्हारा दोनों का भविष्य बता सकता हूँ। भविष्य बताने वाले को खा जाओगे तो अपना भविष्य कभी नहीं जान पाओगे। तुम जानना नहीं चाहते कि तुम जंगल के राजा बने रहोगे या नहीं? शायद तुम सही कह रहे हो, आगे बताओ, मैं सुन रहा हूँ। तुम जैसे महान और ताकतवर शेर का भविष्य पढ़ने के लिए मुझे ऐसी चीज की जरूरत है जो तुम मेरे लिए लाओ। तुम्हारा मतलब एक तोहफा? हाँ, एक नारियल। चलो पानी में मेरी मधुमक्खी। ठीक है, तुम्हें तुम्हारा नारियल मिल जाएगा। तो क्या भविष्य बताने वाले मोगली ने आपके भविष्य के बारे में कुछ खास बताया मालिक? उसे मेरे भविष्य बताने के बदले एक नारियल चाहिए और मैं चाहता हूँ कि बलू और बघीरा उसे दूर रहें। बहुत अच्छा ख्याल है, आप उसके लिए दो नारियल ले जाना, फिर वो मेरा और आपका दोनों का भविष्य बता देगा। बेवकूफ कहीं के, मुझे मोगली की शक्ति पर एक पल के लिए भी भरोसा नहीं है। क्या, लेकिन क्यों? मैं उस नारियल मांगने वाले इंसान के बच्चे के लिए एक जाल बिछाने वाला हूँ। पर वो ऐसा नहीं कर सकता, मोगली को पता चल जाएगा। ओह, इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। नहीं नहीं, मुझे दिख रहा है तुम्हारी याददाश्त ठीक होने वाली है। सच में? क्या मेरी याददाश्त में कुछ खराबी है? मुझे नारियलों के बारे में कुछ नहीं पता, मेरे साथ आओ। तुम अच्छा सा नारियल चुनने में मेरी मदद कर सकते हो, वो ज्यादा दूर नहीं है। मुझे ये भविष्य बताने वाली बात कुछ ठीक नहीं लग रही है बघीरा। शायद तुमने सही कहा, चलो जाकर उसे कहते हैं कि ये सारे नाटक बंद करे। देखो यहाँ बहुत सारे हैं, मेरा भविष्य बताने के लिए इनमें से सबसे बढ़िया वाला चुन लो। मुझे वो वाला चाहिए। जंगल के राजा का भविष्य पढ़ने के लिए ये बिल्कुल ठीक रहेगा। तुम कहाँ जा रहे हो इंसान के बच्चे? मैं तो बस वो नारियल ढूंढ रहा था। मुझे अच्छा खाना पसंद है, नारियल के साथ इंसान का बच्चा। तुम यहाँ क्या कर रही हो डार्जी, और मोगली कहाँ है? तरफ गया है, या शायद इस तरफ, मुझे याद नहीं। क्या वो अकेला था? हाँ, उसने बताया कि मेरी याददाश्त ठीक हो जाएगी। पता है शेर खान को नारियल पसंद है? तुमने शेर खान को देखा? हाँ, तो मेरा भविष्य, मैं सुन रहा हूँ। हे मोगली, क्या तुम मेरा भी भविष्य बताना चाहोगी? बस थोड़ा सा। ओ, मुझे दिख रहा है जंगल का एक नया राजा। शेर खान अब जंगल के राजा नहीं होंगे। मुझे दिख रहा है एक बहुत बड़ा खतरा। बहुत डरावना है। क्या डरावना है ये कि तुम मेरे पेट में जाने वाले हो? नहीं, उससे भी ज्यादा बुरा तुम्हारे लिए। ओ अच्छा, क्या कि शायद मेरी गुफा तहस नहस होने वाली है? हाँ, सही कहा, पूरी तरह तहस नहस। तुम एक बहुत अच्छा नजारा मिस कर रहे हो। जाकर देखो टबाकी, अगर ये तुम्हारी कोई नई चाल है मोगली तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। वो यहाँ नहीं है, वो जरूर कहीं और होगा। काश हमने उसे अकेला नहीं छोड़ा होता, पर अगर शेर खान ने उसे नुकसान पहुँचाया तो मैं उसकी। वो भविष्यवाणी। मैं ये भी देख रहा हूँ। ओह,
एक मकड़ी का पीछा करते हुए तुम्हारी टांग पर चोट लग जाएगी। भविष्य बताने वाले मोगली ने सच कहा है मालिक, आपकी गुफा तहस नहस हो गई है। अब वो जंगल का नया राजा है। भविष्यवाणी खत्म हुई शेर खान, अब अपने घर जाओ। आपने देखा मोगली मेरे मालिक, मैंने आपकी मदद की। तो क्या अब मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है? मुझे दिख रहा है मुझे दिख रहा है कि मैं भविष्य बता नहीं सकता और तुम शेर नहीं हो। मैं बस अंदाजा लगा रहा था टबाकी। तो तुम असली भविष्य बताने वाले नहीं हो? क्या तुम बता सकते हो कि अब क्या होने वाला है मोगली? नहीं, मुझे नहीं पता। क्योंकि तुम असली भविष्य बताने वाले नहीं हो, हमने तय किया है कि क्या तय किया है हमने? कि हम अपने तोहफे वापस ले जा रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि मैं एक बेवकूफ हूँ, मुझे दिख रहा है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझे दिख रहा है कि मैं नालायक हूँ। वो वापस आ गए, कमल के फूल, वो खेल उठे हैं। क्या, कौन? कमल के फूल, वो वापस आ गए हैं। क्या कहा? सच में? सब चुप हो जाओ, हर साल का वही नाटक है, ये मजाक आखिर कब तक चलता रहेगा? कमल के फूल वापस आ गए हैं। जानते हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सुनहरे दिन वापस लौट आए हैं। गुड बाय मानसून, हेलो धूप, लंबी दोपहर, हेलो राजा की रेस। सूखे मौसम के पहले दिन का जश्न मनाने के लिए जो कोई भी कमल का एक पूरा फूल लेकर आएगा वो एक दिन का राजा होगा और हम उसके सम्मान में एक पार्टी रखेंगे। चलो दौड़ो, उम्मीद है कि तुम जानते हो कि तुम्हें कहाँ जाना है। कमल के फूल कहीं भी खिल सकते हैं। हम उस हवा की उल्टी दिशा में जा रहे हैं जो पहले फूलों को इस तरफ बहा कर लाई थी। तुम बिल्कुल नहीं जीत सकते मोगली, मैं तेज नाक के साथ उन कमाल के फूलों को तुमसे कहीं पहले ढूंढ लूंगा। ये मिर्ची का पेड़ यहाँ। अब तुम जरूर जीत जाओगी अपनी तेज नाक की मदद से, है ना? मैं ये मिर्च के दाने रख रहा हूँ आज शाम की राजा की दावत के खाने के लिए जो मेरा इंतजार कर रही है। मुझे कोई जीतने से नहीं रोक सकता। फिर मिलेंगे मेरी पार्टी में। अच्छा, क्या तुम ठीक हो बघीरा? हाँ हाँ ठीक हो जाऊंगा, कोई सीरियस बात नहीं है, पर मोगली राजा बनने की रेस में मुझसे आगे है। हाँ, हमने कमल खिलने के बारे में सुना है। कितनी बुरी बात है कि हम रेस में हिस्सा नहीं ले सकते, पर तुम्हारी रफ्तार के आगे हमारा कोई मुकाबला नहीं। और फिर भी हमारे पास एक अच्छा मौका था। मैं कहूँगा अच्छे से भी बेहतर, हम सबसे आगे होते। बूढ़े होने का यही तो फायदा है, हमने न जाने कितने सौ मौसम देखे हैं और कई सारे खिलते फूल। हमने इतनी बार फूलों को खिलते देखा है कि उनकी सबसे अच्छी जगह पता है। तुम्हें पता है वो कहाँ मिल सकते हैं? कहो तो हम तुम्हें दिखा सकते हैं। कमल के फूल वापस आ गए हैं। शेरखान मालिक, कमल के फूल खिल गए हैं। तुम इतनी खुशी से दौड़ते हुए मुझे ये बकवास खबर सुनाने आए हो? मुझे ये बकवास रेस बिल्कुल पसंद नहीं। इस जंगल में सिर्फ एक ही राजा है और वो हूँ मैं। मैं आपकी बात मानता हूँ मालिक, पर ये मुकाबला है और सारे जानवर भाग रहे हैं अकेले। इसका मतलब है कि वो इंसान भी भाग रहा होगा अकेला उस जंगल में। इतने सालों से मैंने इसके बारे में पहले सोचा क्यों नहीं? चिंता मत कीजिए, आज से पहले तो मैंने भी कभी ये बात तो मुझे पहले नहीं बता सकते थे बेवकूफ। और मैंने तो कल्लू को जंगल की दूसरी तरफ शिकार करने की जगह ढूंढने के लिए भेज दिया था। मैं मोगली को उसके बिना कैसे ढूंढूंगा? आपको उस बड़बोले कौवे की कोई जरूरत नहीं है मालिक, जब आपके पास है एक होशियार तेज रफ्तार। मेरे पास एक हल है। कमल के फूल वापस आ गए हैं। क्या, कौन? रावी, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरती हूँ? तुम मक्खियों वाले फर की फूल कहेंगे, अभी इसी वक्त मेरे रावी को छोड़ दो। इस बार सर्दी अब बहुत ज्यादा पड़ी थी, हमारी हड्डियों और पंख के अलावा कुछ नहीं बचा है। मुश्किल से एक वक्त का खाना भी नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी भलाई के लिए कह
रही हूँ। हम पहले ही खा चुके हैं, पर थोड़ी सी मिठाई को ना भला कौन बोल सकता है। पर तुम बच सकती हो अगर तुम दिखाओ कमल के फूलों का झुंड। पर पंछी कभी भी राजा की रेस में हिस्सा नहीं लेते, ये तो चीटिंग होगी। हम नहीं जानते कहाँ। मैं ढूंढती हूँ, मैं ढूंढती हूँ। आपने देखा मालिक, उस बेवकूफ कौवे की कोई जरूरत है ही नहीं, जिस वजह से आप हमेशा मुझे कोसते रहते हैं। अपने आप को इतनी जल्दी बधाई मत दो, अभी हम कामयाब नहीं हुए हैं। कमल के फूल वापस आ गए हैं। अच्छा, अब जब मैं तुम्हें यहाँ ले आई हूँ, रावी को छोड़ दो, तुमने वादा किया था। काम अभी पूरा नहीं हुआ है, तुम्हारे लिए मेरे पास एक और काम है। जाओ मोगली को ढूंढो। मैं तुम दोनों की मदद नहीं करूँगी। आखिर ये कब खत्म होगा? ठीक है, पर फिर तुम्हें रावी को छोड़ना होगा। हमला करने के लिए बिल्कुल सही जगह है, ध्यान रहे कि वो इंसान का बच्चा उस रास्ते से आए। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं मालिक, मैं उनमें से नहीं हूँ जिन्हें ये सब बताने की। वो पंछी मुझे दो और जाकर उस इंसान के बच्चे को ढूंढो। हाँ मोगली, सही वक्त पर आए हो। क्या तुम्हें पता है कि मुझे सीलियम के बीच कहाँ मिल सकते हैं? सीलियम? तुम कमल के फूल नहीं ढूंढ रहे? हाँ नहीं, मेरे पास राजा की रेस में हिस्सा लेने का वक्त नहीं है। लाली के पेट में दर्द है और अकेला ने मुझे उसके लिए दवा लाने के लिए भेजा है। ओ अच्छा, वो बस मैंने तुम्हारे पंजों के निशान देखे तो तुम्हारी नाक इतनी तेज है, मुझे लगा तुम सही दिशा में जा रहे हो। मेरे ख्याल से वक्त आ गया है, मुझे हार मान लेनी चाहिए। मैं बताता हूँ सिलियम कहाँ मिल सकता है। इसे खाकर लाली चुटकियों में ठीक हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ वापस रेस में हिस्सा लेने। अच्छा, मैं जीत गई। अब एक दिन के लिए मैं रानी बनूंगी। तुमने क्या जीता? क्या तुम्हें कमल के फूल दिखाई दे रहे हैं? वेल, कमल के फूलों को यहीं पर होना चाहिए था। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? हाँ, किसने बताया तुम्हें? किसी ने नहीं। हम बाद में मिलते हैं, मैं कमल का फूल ढूंढने जा रही हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम्हें ऐसे छुटकारा मिल जाएगा? तुम्हें यहाँ देखने के लिए किसने भेजा था? कमल के फूल फिर से खिल गए हैं। मोगली ठीक वहाँ है, दूसरी तरफ। बस बहुत हुआ, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। यस। तुमने देखा, मैंने कहा था कि इस साल सबसे पहले कमल यही खिलेंगे। वेल, बाकी सबको झूठ बोलकर गलत दिशा में भेजने का आइडिया भी कमाल का था। शेर खान, टबाकी कह रहा है कि अब तुम रावी को छोड़ दो। तो अब टबाकी बताएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं? नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा था। दरअसल उसने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, वो बस तुम्हें बहुत सारा काम करना होगा ना, तो हम तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहते हैं। तुम दोनों इतने पतले हो कि तुम्हारे अंदर चबाने के लिए हड्डियाँ भी नहीं है। अगर इंसान के बच्चे को खबर की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हम क्या कर सकते हैं? मोगली खतरे में है, पर हम एक शब्द भी नहीं बोल सकते। शेर खान ने ये तो नहीं कहा कि हम किसी और को नहीं बता सकते। चलो। फूल नहीं है, ऊ और बू को इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। क्या उन कछुओं ने तुम्हें जासूसी करने को कहा था? आहा, चालबाज कहीं के। बगीरा, बगीरा, जल्दी, मोगली को मदद की जरूरत है। यस। तुम्हें जंगल में इस तरह अकेले नहीं घूमना चाहिए इंसान के बच्चे। हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन क्या? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपनी छोटी सी चड्डी से रोक सकते हो? सॉरी शेर खान, पर आज मेरा खास दिन है, तुम्हारा नहीं। हमारे पास अब भी वक्त है। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो इंसान के बच्चे? चलो, हमारे पास अब भी वक्त है। बराबरी वाले से मुकाबला करके देखो। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने टिक पाओगे? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। अच्छा अच्छा,
जल्दी बगी, एक एक फूल उठाते हैं और यहाँ से भागते हैं। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कमजोर कहीं के। कमल के फूल फिर से खिल गए हैं। शुक्रिया चील। कोई बात नहीं, और मुझे वो नए शिकार का मैदान दिखाने के लिए शुक्रिया। ये सही नहीं है, इस मुकाबले में पंछी हिस्सा नहीं ले सकते हैं। ओ, पर चील ने हिस्सा नहीं लिया, उसने कमल ढूंढने में हमारी मदद की। फूल तो हमें ही तोड़ना था। मुकाबले में आके रहने के लिए किसी भी चीज का सहारा लेने पर कोई रोक टोक नहीं है। तुम दोनों ने सबको गलत रास्ता दिखाया। कछुओं ने जरूर नियमों को थोड़ा सा घुमाया है, पर उन्होंने चीटिंग नहीं की। इसलिए मैं घोषित करता हूँ, तुम दोनों हो एक दिन का राजा। मैंने कर दिखाया, मैंने सबको खबर दे दी। ओ डियर, मैं रेस में हिस्सा लेना तो भूल ही गया। वो कौवा जंगल में आ पहुंचा है और चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस लाल फूल की खुशबू थोड़ी सी नींबू जैसी है और इस पीले फूल की खुशबू थोड़ी सी एसिडिक है। क्या तुम इनमें फर्क बता सकते हो मोगली? अपनी आंखें बंद करो, बताओ ये कौन सा फूल है। लाल वाला। अब तुम्हारी बारी। पीला वाला, लाल वाला। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। माना मेरी नाक तुम्हारी जितनी तेज नहीं, पर मेरे पास फूलों को पहचानने के लिए अपने तरीके हैं। मैं उनके आकार को देखता हूँ, उनके रंग को। जल्दी, वो आ रहा है। ये शैतान कहाँ चले गए? उन्होंने मुझे चार बार अपनी नींद से जगा दिया है। हर जीत को अपने आसपास की सभी चीजों और जानवरों के ऊपर बदबू फैलाने का शौक है। क्या हमने उसे पीछा छुड़ा लिया? हाँ, वो खतरनाक बदबू अभी भी हवा में तैर रही है। वो हमसे ज्यादा दूर नहीं हो सकता। नहीं, ये वो नहीं हो सकता। किसी भी जानवर से इतनी बुरी बदबू नहीं आती। चलो रुको, उस तरफ नहीं जाना है। हम शेर खान के करीब पहुँच जाएंगे। चिंता मत करो, मुझे उसके इलाके के पास से एक शॉर्टकट मालूम है। ये रहा मेरा फेवरेट। खूबसूरत है, इसके जैसा कुछ भी नहीं। सूंघो। इसके जैसा कुछ नहीं, इसमें से भी वही बदबू आ रही है जो वहाँ आ रही थी। मुझे लगता है मेरी नाक बंद हो गई। मोगली, मेरी मदद करो, समझ नहीं आ रहा सबसे पका हुआ आम कौन सा है। वैसे छू कर देखो, ये वाला ज्यादा मुलायम है, ये जरूर पक गया होगा। चाहो तो इसे खा सकते हो। शुक्रिया, ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। वो चारों तरफ बदबू फैला रहा है। मोगली, बाला और लाली तुम्हारे साथ नहीं है? नहीं, वो हरजीत के साथ खेल रहे हैं। खेल रहे हैं या उसे परेशान कर रहे हैं? मेरी नाक बता रही है कि हरजीत गुस्से में है। हरजीत जब भी भयंकर बदबू छोड़ता है तो भी वो इतनी बदबूदार नहीं होती। मैं अपने बच्चों को कैसे ढूंढूंगी? इस बदबू की वजह से मेरी नाक बेकार हो गई है। मेरी भी। हमें सावधान रहना होगा, अगर मैं खुद से ही टकरा गया फिर भी अपनी खुशबू नहीं पहचान पाऊंगा। फिक्र मत करो रक्षा, बाला और लाली को ढूंढने के और भी तरीके हैं। लाली, कुछ कहो, सामने आओ। यहाँ क्या? देखो, अच्छा शॉर्टकट था, अब हम खो गए हैं। मुझे दोष मत दो, ये हरजीत की बदबू की वजह से है। हरजीत, तुम मजाक कर रहे हो, वो मीलों दूर है। हम शेर खान के इलाके के बहुत करीब हैं। मुझे यकीन है ये खतरनाक बदबू मरे हुए जानवरों से आ रही है। चुप रहो वरना तुम हमें पकड़वा दोगी। मैं उसका अगला शिकार नहीं बनना चाहता। मुझे डर लग रहा है, मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकालो। Ah!
तुम में बड़ी हिम्मत है जो मेरे इलाके में आकर मेरा ही मजाक उड़ा रहे हो। कल्लू कौवा आपकी सेवा में हाजिर है शेर खान। आपका नाम जंगल के बाहर भी फैल गया है। मैं इस इलाके में रहना चाहता हूँ, इसलिए आपके साथ सौदा करने आया हूँ। एक सौदा? मैं आपकी शिकार करने में मदद करूँगा और बदले में आप मुझे बचा हुआ मांस खाने देंगे। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। देखा तुमने, शेर खान को सिर्फ एक ही जानवर पर भरोसा है, मुझ पर। मुझसे दूर रहो मरियल सियार कहीं के। ओ अच्छा, बस करो टवाकी, मेरे पीछे आओ। हरजी, लाली और बाला कहाँ हैं? वो बचकर भाग गए, पर जरा उन्हें मेरे पास तो आने दो। ये केला तो पूरी तरह सड़ गया है, इसमें तो कोई बदबू नहीं आ रही है। ये बदबू हरजीत से नहीं आ रही है, उसकी भी सूंघने की ताकत चली गई है। ओके, अलग अलग हो जाते हैं। बगी रक्षा के साथ जाकर लाली और बाला को ढूंढेगा। बल्लू और मैं जाकर देखते हैं कि ये गंदी बदबू आखिर कहाँ से आ रही है। और पंछी पंछी वो ऊपर से दूर दूर तक देख सकते हैं और उन्हें बदबू से कोई फर्क नहीं पड़ता। चील, डार्जी इस तरफ। डार्जी, वहाँ से बदबू आ रही है। ओह ठीक है। ये कैसी बदबू है, मुझे उन भेड़ियों के बच्चों की खुशबू नहीं मिल रही। टबाकी, ये बदबू कैसी है? मैंने कुछ नहीं किया मालिक, सच में। वो भेड़ियों के बच्चे कहाँ हैं? उन्हें ढूंढना शुरू करो नालायक। मेरा ऑफर अभी भी खुला है बॉस, आज का खास ऑफर हाथ से चला गया तो बहुत बुरा होगा। एक भेड़िए के बच्चे के साथ दूसरा मुफ्त। आप दो बार उनके करीब पहुँच कर भी उन्हें खो चुके हैं। पर हे, अगर आपको भूख नहीं लगी है तो। इतनी जल्दी नहीं मिस्टर सबसे होशियार, तुम्हें अपनी कीमत साबित करने का सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। ऊपर चढ़ जाइए। हम यहाँ तीसरी बार आ रहे हैं, बताओगे हमें और कितनी बार आना पड़ेगा? वेल, कहाँ है वो? हाँ बताओ वो कहाँ है। तुम खुद को कल्लू दी एक्सपर्ट कहते हो ना, तुम्हारा नाम तो कल्लू निखट्टू होना चाहिए। वो छिपे हुए हैं, पर मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। यही बेहतर होगा। वहाँ झरने के पास कुछ है, वहाँ नीचे है किसी तरह का बड़ा सा फूल है जो। शुक्रिया चील, यहाँ से आगे बलू और मैं संभाल लेंगे। मैं जाकर डार्जी को ढूंढती हूँ। इस तरफ बकीरा। हम यहाँ से चौथी बार गुजर रहे हैं। वो बदमाश भेड़िए के बच्चे एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। बच्चे? वो रहे वहाँ ठीक सामने। जाओ पीछा करो, दाई तरफ, सीधे दाई तरफ, सीधा जाइए बाई तरफ, वहाँ नीचे, आगे। अरे नहीं, दाई तरफ, नीचे, ऊपर, दूसरी तरफ से, बीच में से। हाँ नहीं, नीचे, बीच में से। तुम अपनी बकवास जल्दी बंद करो ट्वीटी। हाँ नहीं, जब तुम रुकोगी मैं रुकूंगी। संभल कर डाली। क्या मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूँ? मैं कांपते हुए सियार और एक बड़बोले पंछी के साथ फंस गया हूँ। मेरे पीछे आओ। जल्दी, शेर खान आसपास ही हो सकता है, बाहर कहाँ से जाएंगे? वो रहा, देखो वो एक पेड़ के तने से उग रहा है। ये जरूर नदी में बहकर यहाँ तक पहुँच गया होगा। चलो इसे पानी में डाल देते हैं ताकि अपनी बदबू कहीं और फैलाए। मैं सोच रहा हूँ कहीं ये ऑरम टाइटन तो नहीं है। ये सुमात्रा का एक बड़ा सा फूल है,
ये अपने घर से दूर आ गया। खिलने के 3 दिन बाद तक ये बदबू मारता है, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये एक जानवर की सूंघने की ताकत को बिल्कुल खत्म कर देता है। बॉटनी लेसन का वक्त नहीं है, क्या तुमने कहा 3 दिन? जल्दी धक्का दो। हम बच गए, क्या तुम कुछ सूंघ पा रहे हो? ये तो कमाल हो गया, मैं अब फिर से जंगल की सारी खुशबुओं को सूंघ पा रहा हूँ। मैं भी, कितना अच्छा लग रहा है। इसका मतलब बाकी सबकी सूंघने की शक्ति भी वापस आ गई होगी, शेर खान की भी। अगर हम फिर कभी शिकार नहीं कर पाए तो क्या होगा? मेरे पास एक आइडिया है। इतनी जल्दी क्या है? बेवकूफ बदबूदार जानवरों, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। और हमें तुमसे डर नहीं लगता शेर खान। तो तुम यहाँ हो? मेरी नजरों से दूर हो जाओ नालायक नाकारा यार। और वो बड़बोला पंछी कहाँ है? वो मुझे दोबारा अपने इलाके में नहीं दिखना चाहिए। वो अनजान पंछी न जाने कहां से टपक पड़ा, हम सबको उस पर नजर रखनी चाहिए। उस पर मैं नजर रखूंगी। आह मेरे प्यारे फूल, मुझे खुशी है कि मैं फिर से तुम्हारी सुंदर खुशबू का मजा ले पा रहा हूँ। कल हम उस बदबूदार फूल के बारे में जानेंगे करीब से। वो जरूर झील के पास पहुँच गया होगा। इसे पहनने के बाद हमें बदबू नहीं आएगी। तुम्हें यकीन है हम 2 दिन और नहीं रुक सकते हैं बोलू? मैं वहाँ जाने के लिए बेकरार हूँ। हाँ, हम बहुत मजे करने वाले हैं। हाँ, और उसके बाद मुझे बेसुरा गाना भी नहीं सुनना पड़ेगा। ये है फ्रेंडशिप डे, दोस्ती निभाने का दिन। ये है फ्रेंडशिप डे, खुशियाँ मनाने। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। लेकिन मालिक, वो एक तोहफा था, आज फ्रेंडशिप डे है। तुम मेरे दोस्त कभी नहीं बन सकते। और क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक सड़े हुए शिकार के बदले मेरी दोस्ती पा सकते हो और मैं इस जश्न के बारे में सब भूल जाऊंगा? ये वक्त की बर्बादी है। बनाना का इतना बड़ा पिरामिड कभी नहीं देखा। तुमने बिल्कुल सही कहा, इससे तो सूरज भी छिप जाएगा। आज की फ्रेंडशिप डे पार्टी शानदार होगी। जल्दी करो, बाकी सब पहुँच रही होंगे। बाकी सब? लेकिन मुझे तो न्योता नहीं मिला। यहाँ वापस आओ चोर कहेंगे। मैं ये नहीं देख सकती। मैं कुछ करना नहीं चाहती। मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया, पर हमें फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो तुम हमारे केले चुराना चाहते थे बदबूदार बैजो? मैं कोई बदबूदार बैजर नहीं हूँ, और मैं तो बस केले उधार ले रहा था। 1-2 केले उधार ले रहे थे? आज फ्रेंडशिप डे है, मैं सही हूँ ना? हाँ, पर तुम कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि मैं एक बैजर से दोस्ती कर लूंगी जिसे हमने हमारे जश्न में बुलाया भी नहीं है। कितनी गंदी बदबू आ रही है तुम में से। चलो अब जाओ अपने बदबूदार दोस्तों के पास, और तुम लोग केलों का ढेर फिर से जमाना शुरू करो। तो तुम्हें भी पार्टी में नहीं बुलाया गया? जाओ यहाँ से। शांत हो जाओ, तुम और मैं एक ही टीम में हैं, पता है? ओ अच्छा, तो वो कौन सी टीम है? वो जिन्हें पार्टी में नहीं बुलाया गया। उससे मुझे क्या मतलब, हमेशा से ऐसा ही होता आया है। वो हम बैजर्स को भगा देते हैं क्योंकि हमसे बदबू आती है। कितनी शर्म की बात है, मेरे पास इन बंदरों को सबक सिखाने का एक सुपर प्लान है। और क्या है तुम्हारा सुपर प्लान? बंदरों को केलों तक पहुंचने से रोको, वो हमारी बात मानने के लिए मजबूर होंगे। तब उन्हें हमें बेकार पार्टी में ना बुलाने का अच्छा सबक मिलेगा। यह फ्रेंडशिप डे, दोस्ती निभाने का दिन। यह फ्रेंडशिप डे, खुशियाँ मनाने का दिन। तुम दोनों को क्या हुआ, ये गाना मेरे सिर चढ़ गया है। तुम दोनों बहुत सुर में जो गा रहे थे। चलो फिर से गाते हैं। तो तुम तैयार हो उन्हें दिखाने के लिए कि हम में कितना दम है? ठीक है, तो मेरे 3 गिनने पर अपनी पोजीशन ले लो। मैंने कहा 3 की गिनती पर।
सिक्योरिटी, मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी देखनी होगी। यहाँ कई बनाना चोर दिखाई दिए हैं। हे, ये हम हैं, बलू, बगीरा और मोगली। सिक्योरिटी का घेरा टूट गया है। मैं ये नहीं देख सकती, मैं कुछ कहना नहीं चाहती। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। अपनी जान बचाकर भागो। क्या वो बैजेस वाकई बनानास के पिरामिड को घेर कर खड़े हैं, या फिर मैं सपना देख रहा हूँ? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हम हमारे बॉस के लिए काम करते हैं। कौन बॉस? मैं। ये हमारे केले हैं, ये हमारी फ्रेंडशिप पार्टी है, और तुम्हें बुलाया नहीं गया है, और तुम्हें एक भी बनाना वापस चाहिए तो तुम्हें हमारा कहना मानना पड़ेगा। वैसे ये सुपर आइडिया मेरा था। तुम इसे आइडिया कहते हो? हमें अपना गुलाम बनाना चाहते हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर ऐसा है तो हम वो बनाना अपने आप वापस ले लेंगे। कुछ करो बेकार जानवर कहीं के, मेरे बनानास। बैजेस बेकार जानवर नहीं होते हैं। कुछ करो हरजीत, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तबाकी तुम्हें और तुम्हारे बैजेस को इस्तेमाल कर रहा है? तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं अकेले कमांडिंग के लायक नहीं हूँ? बैजेस तैयार हो जाओ, तुम अपनी ताकत दिखाओ। हाँ? इसका फैसला मैं करूँगा। चुप रहो सियार कहीं के, तुमने बहुत बोल लिया। तुम जानलेवा बदबू छोड़ने की तैयारी करो। तीन गिनने पर, एक दो तीन गो। ये बदबू तो क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम सब मेरे कैदी हो। तुम्हारे नहीं, हमारे। यहाँ से बाहर निकल पाना नामुमकिन है। हमें बाहर आने दो, हम सबको झगड़ने की बजाय पार्टी करनी चाहिए। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब तुम हमारी कैद में हो, बस बहुत हुआ। मालिक तबाकी का यही हुक्म है। नहीं, ये हुक्म हमारे मालिक हरजीत ने दिया था। क्या कहा? मतलब तबाकी हमारे मालिक नहीं है? मेरे ख्याल से मेरे पास सब कुछ ठीक करने का एक आइडिया है। शेर खान। हम ऐसे हार नहीं मान सकते, हमें कुछ करना चाहिए। पैंथर की सवारी के बारे में कभी नहीं सोचा था। मत भूलो कि ऐसा सिर्फ इमरजेंसी की वजह से हो रहा है। चलो बलू, तुम ये कर सकते हो। अगर हम दक्षिण से हमला करें तो हम उन्हें चौंका देंगे और फिर हम माशा को ढूंढ लेंगे। शेर खान। वाह, तुम तो खुद ही चलकर सीधे शेर के जबड़े में आ गए, कितनी अच्छी बात है। मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। मदद? मैं तुम्हें मदद क्यों करूँ, जब तुमने खुद को मेरे सामने परोस दिया है, जबकि मैं मरा जा रहा हूँ तुम्हें खाने और तुम्हारी हड्डियों की चटकने की आवाज सुनने के लिए। क्योंकि तुम्हारे सियार को ये लगता है कि वो जंगल का राजा है। वो बंदरों, बैजर्स, बलू और बगीरा पर भी राज कर रहा है। वो जंगल के राजा की तुम्हारी जगह लेना चाह रहा है। मुझे तुम्हारी एक भी बात पर यकीन नहीं है, वो खुद एक कीड़ा भी नहीं पकड़ सकता। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम खुद आकर क्यों नहीं देख लेते? वो बेवकूफ नालायक तबाकी जंगल का मालिक बन बैठा है। हरजीत, मुझे भूख लगी है, जाओ मेरे लिए स्वादिष्ट खाना लेकर आओ। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? मेरे बॉस? तुम बस एक लूजर हो, तुम कभी एक लीडर नहीं बन सकते जैसा कि मैं हूँ। तुम जरूर मजाक कर रहे हो, तुम तो खुद को बचा भी नहीं सकते। तुम्हें हमेशा अपने डैडी शेर खान की जरूरत पड़ती है। ठीक है तो फिर। रास्ता साफ है, तुम बाहर आ सकते हो। मैं हमेशा से एक बैजर खाना चाहता था और मैंने अभी अभी अपने पंजे तेज किए हैं। देखो, तुम तो बॉस हो, इसलिए बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी।
नहीं, ये सारा प्लान इसका है मालिक, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, इसीलिए मजबूर किया था। बैजर्स के साथ शामिल हो गए, क्या तुमने मुझसे कुछ नहीं सीखा? गद्दार! मैं तुम्हें मेरे नौकर की बेइज्जती करने से मना करता हूँ। मैं जिसकी चाहूँ बेइज्जती करूँगा, ये सब उसकी गलती है। अब सब हमसे नफरत करते हैं, जबकि हम तो सिर्फ इतना चाहते थे कि हमें भी फ्रेंडशिप डे पार्टी में बुलाया जाए। बैजर्स को पार्टी में बुलाया नहीं गया था? नहीं, उनमें से बहुत बुरी बदबू आती है मोगली। अपनी नाक संभालो। एक, दो, तीन, दो। मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। बहुत अच्छे बैजर्स। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। सबने मिलकर अच्छा काम किया, सबने एक दूसरे की मदद की, जैसा कि फ्रेंडशिप डे पर होना चाहिए। मैं वादा करती हूँ अब तुम्हारी बदबू का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। देखो, मैं कोशिश करूंगी, और तुम सबने जो कुछ भी किया उसके लिए तुम हमारे खास मेहमान हो। आज है फ्रेंडशिप डे, दोस्ती निभाने का दिन। मुझे यकीन है कि तबाकी को इस वक्त हमारे जितना मजा नहीं आ रहा होगा। ये आवाज ऐसी है जैसे उसका सर अंदर से खाली है। पिछली बार जब वो ऐसा कर रहा था, वो पेड़ से टकराने की बजाय छपाक सीधे पानी में जा गिरा। वो सिर्फ एक बार हुआ था, और उसके अलावा जमीन में फिसलन थी। चोर कहीं के, मुझे मेरा खाना वापस करो। तुम्हें लगता है ये मजाक है? हाँ, ये मेरे हुए, इन्हें मैंने चुराया है, सीधी सी बात है। मेरे ख्याल से ये फल तुम्हारे हैं, है ना राना? मैंने देखा कि म्यूसी उन्हें लेकर भाग रहा था। ओ हाँ 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 हाँ, शुक्रिया मोगली। आधा आधा ले। मैं, हाँ मेरा मतलब। बहुत अच्छे, शुक्रिया। वाओ, कितना अच्छा है ना हमारा मोगली। और दयालु भी, उसने उस नन्हे चोर से वो अमरूद वापस ले लिए। अगर वो चाहता तो दोनों खुद रख सकता था। मैं जाकर सबको इसके बारे में बताती हूँ। बहुत हुआ, मैं तुम सबको अपना मजाक बनाते देख थक चुका हूँ, पर अब बस करो, अब तुम बस देखना। और इस तरह मैंने अपना खाना हासिल किया, अब मैं मजे से खाऊंगा। तुमने कुछ भी हासिल नहीं किया है। राना, मोगली हमें यही बता रहा था कि कैसे कैसे उसने सबके सामने मेरा मजाक बनाया। क्या? मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तुम्हें बताता हूँ कि राना किस मिट्टी का बना हुआ है। मोगली, मैं तुम्हें मुकाबले के लिए चुनौती देता हूँ, हम में से जो भी कालू का एक पंख लेकर वापस आएगा वो ही जीतेगा। पर ये तो बकवास है। ओ, तो ऐसा है, तुम बस हारने से डरते हो। नहीं, मैं नहीं डरता। मुझे नहीं लगता कि इतने से मुकाबले के लिए कालू से पंगा लेना समझदारी की बात है। ओ, कालू इतना भी ज्यादा खतरनाक नहीं है, बस इनमें से किसी को चोंच से मार खानी पड़ेगी। ठीक है, मुकाबला शुरू। ठीक है, फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें समझाया नहीं। क्या तुम इस पर नजर रख सकते हो प्लीज? उसकी फिक्र मुझ पर छोड़ दो, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वो तो देखा जाएगा। कूदते वक्त अपने पेट को ऊपर उठाना मत भूलना, और तुम अपने पैरों को उठाना मत भूलना। मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, चलो जोर लगाओ।
हम बच गए। बाल बाल बच गए। अगर तुम्हें नाश्ता ही चाहिए तो आकर खुद ले लो ना। क्या हो रहा है यहाँ? वो छोटू बंदर मोगली का फल चुराने की कोशिश कर रहा था। क्या बात है, तुम अपने मिशन को लेकर बहुत गंभीर हो, मानना पड़ेगा। अच्छा ये बात है, मेरे सामने ऐसा नहीं हो सकता। डार्सी, ए डार्सी। हाय राणा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम जाकर देख सकती हो कि कल्लू अपने घोंसले में है या नहीं? प्लीज। मैं ये कर तो सकती हूँ, पर मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। हाँ, पर मुझे उसके पंख की सख्त जरूरत है। क्या तुम पागल हो गए हो? नहीं, मैंने मोगली को चुनौती दी है। पूरा जंगल मेरा मजाक उड़ाता है और सब उसकी तारीफ करते हैं। अगर मैं जीत गया तो कोई भी कभी भी मुझ पर नहीं हंसेगा। ठीक है, वेल मैं कुछ समझी तो नहीं, पर ये कुछ खास मजेदार नहीं लगता। मैंने सब जगह देखा, सब जगह, बिल्कुल हर जगह देखा, और घोंसले या उसके आसपास कोई भी नहीं है। अभी भी कुछ नहीं मिला। बहुत शोर हो रहा है, मैं जाकर तुम्हारे लिए पंख ले आती हूँ। नहीं, ये बेईमानी होगी, मुझे ये अपने आप करना होगा, नहीं तो ये सही नहीं होगा और फिर से मेरा मजाक उड़ाएंगे सब लोग। आखिर मिल ही गया। बहुत अच्छे, अच्छा हुआ जो कल्लू यहाँ नहीं। मोगली, वादा करो तुम राना को इसके बारे में कुछ नहीं बताओगी। ये सच है, सब जानवर उसका हमेशा मजाक उड़ाते रहते हैं। अगर ये रोकने में मैं मदद कर सकूं तो। बहुत अच्छा किया, पर तुम भी एक पंख क्यों ले जा रहे हो? अगर मैं आसानी से जीत गया तो वो समझ जाएगा कि मैंने ऐसा जानबूझकर किया, और वैसे भी मैं राना की मदद और मस्ती दोनों एक साथ कर सकता हूँ। तुम वापस सो जाओ बलू, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। तुम दोनों मिलकर बहुत शोर मचा रहे हो, इस हालत में सोना बहुत मुश्किल है। सब शांत हो गया, अब आएगी नींद। कोई मेरे घोंसले से छेड़छाड़ कर रहा था। मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, मैं सच कह रही हूँ। मैं तुम्हारे सारे पंख उखाड़ लूंगा एक एक करके। मैं तुम्हें सब बताती हूँ। हाँ, सब कुछ। मैं तुम्हें पकड़ने ही वाला हूँ। आ जाओ शेर खान, ये रहे वो दोनों। शेर खान, इस तरफ, जल्दी। तुम भाग सकते हो मगर छिप नहीं सकते। वो बाई और मुड़े हैं शेर खान, आप उनके बिल्कुल पीछे हैं। मैं तुमसे नहीं डरता बदमाश कौवे कहीं के। तुम्हें डरना चाहिए, पर तुम्हारी किस्मत अच्छी है क्योंकि मुझे तुम नहीं मोगली चाहिए। शेर खान आज दावत उड़ाने वाला है। ए, मैं भी मोगली जितना ही स्वादिष्ट हूँ। तुम जरूर मजाक कर रहे हो, तुम तो मुझसे एक पंख तक नहीं चुरा पाए। वो काम भी मोगली को ही करना पड़ा, इंसान का बच्चा जिसने मेरा घोंसला लूटा। तुम मुझे पकड़ना चाहते हो? हाँ तो आ जाओ पकड़ लो। क्या? अब वो कहीं नहीं भाग सकता। इस बार आपने उसे पकड़ लिया शेर खान, आपकी दाई तरफ। अच्छी नकल थी,
इसका मतलब शेर खान यहाँ नहीं है, तुम बस अकेले हो। वाकई तुम्हें ऐसा लगता है? मेरे पंखों के नीचे एक से ज्यादा चाले हैं नन्हे बच्चे, कोई भी मेरे पंख चुरा कर बच कर नहीं जा सकता। जकाला, खाना तैयार है। होम डिलीवरी कितना अच्छा है, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए कालू? कुछ भी नहीं, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो पंख चुराने वाले? खाने का वक्त। नहीं। मदद के लिए शुक्रिया राणा। हाँ, well, मैंने कुछ सोचा नहीं। इसलिए तो तुम एक असली हीरो हो और एक सच्चे दोस्त। बलू, बलू, बलू। ये क्या कर रहे हो बगीरा? जल्दी मुझे खोलो ताकि मैं उस बदमाश को सबक सिखा सकूं। उसने तुम्हारे अमृत चुराए हैं। हालांकि मैं उस पर नजर रख रहा था, मेरा यकीन करो मोगली, मैंने सब संभाल लिया था, पर वो बहुत चालाक है। बिल्कुल किसी बंदर की तरह। तो तुम लौट आए, कैसा रहा मुकाबला, कौन जीता? अच्छा, तो तुम भी जाग ही गए, क्या तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी? नहीं, इन्हें लगाने के बाद कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, और तुमने कहा था कि तुम सब संभाल लोगे, क्यों? मैं बिल्कुल सही समय पर पहुंची, तुमने देखा, मैंने कहा था ना। तो मोगली बताओ तुम कैसे जीते? राणा तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाया है ना। निराश करने के लिए माफी चाहता हूँ, पर कोई भी नहीं जीता। आ गई, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कल्लू का एक पंख है और राणा के पास नहीं। हाँ, पर अगर मैं जीता तो इसकी वजह ये है कि राणा ने मेरी जान बचाई, ये है असली हीरो। मैं तुम्हें इसके बारे में सब बताता हूँ, ये बहुत शानदार था। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे भी ये सुनना है। हे, रुको रुको, और मेरा क्या? खोलो मुझे। कुछ ला जाऊं या पहाड़ी से उड़ जाऊं, कुछ ला जाऊं या पहाड़ी से उड़ जाऊं। भला उस हिरन की तुमसे क्या दुश्मनी थी? वो मेरे सीक्रेट इमली के ढेर के पीछे है, पर मैं बिना लड़े उसे वो हासिल करने नहीं देता। मरने का नाटक करके? Well, सच ये है कि मैं डर गया और भाग निकला। मैं एक बड़े सर वाला डरपोक हूँ। हाँ, और तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो और बदतमीज हो, और भी बहुत सारी चीजें हो जो बा से शुरू होती है। आराम से पेड़ पर बैठकर लोगों को चुड़ाना बहुत आसान होता है माशा। माशा सही कह रही है, मैं एक बहुत बड़ा लूजर हूँ। तुम्हें बस थोड़े से आत्मविश्वास की जरूरत है और कुछ काश नहीं। काश अगर मैं भी एक भेड़िया होता, मेरी जिंदगी कितनी आसान होती। पर वॉट हॉग्स भी कई चीजों में अच्छे होते हैं, जैसे कि तैरना। यस, मुझे दिलासा देने का कोई फायदा नहीं है, मैं इस जंगल का वॉट हॉग में सबसे बड़ा लूजर हूँ। इस वक्त मुझे हर चीज से डर लग रहा है। क्या हम मदद कर सकते हैं? मुझे पता नहीं, तुम मेरी मदद कर सकते हो आप? एक भेड़िया बनने में। कैसा बेवकूफ और बकवास आइडिया है, तुम सच में तो इस बड़े बेवकूफ को भेड़िया बनने में मदद तो नहीं करने वाले हो? देखा, ये बिल्कुल बेतुका है, इसका कुछ नहीं हो सकता। तुम गलत हो फियोना, आपसी समझ और टीम की भावना फियोना, भेड़िये इसीलिए तो जाने जाते हैं। राणा को अपना आत्मविश्वास वापस हासिल करने में हमारी मदद चाहिए। क्या? लेकिन राणा, अगर तुम अपने दम पर अकेले सुनहरी पहाड़ी के ऊपर पहुंच सकते हैं और एक भेड़िये की तरह आवाज निकाल ली, तो तुम्हें एक पूरे दिन भेड़ियों के साथ दौड़ने का मौका मिलेगा। पहला नियम, एक भेड़िये जैसा बनने के लिए तुम्हें भागना होगा पूरी ताकत से। और जानता हूँ। बिल्कुल भी आवाज किए बिना। ओ, ये मुझे पता नहीं था।
अब ये मुझे देखना है कि राणा कभी भी भेड़ियों के साथ शामिल होके ना दौड़ सके। दूसरा नियम, तुम्हें आवाज निकालना सीखना होगा। बाकी के भेड़िये तुम्हें इसी तरह ढूंढ सकते हैं अगर तुम कभी खो गए तो। आओ, 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 आओ। मैं तुमसे एक सौदा करने आया हूँ शेर खान। मैं चाहता हूँ कि तुम राणा को खत्म कर दो। इसमें मेरा क्या फायदा है माउगली? मुझे ये सौदा पसंद आया। मुझे कल सुबह पुल पर मिलो, मैं वॉटहॉग को वहीं लाऊंगा। असली भेड़िया बनने के लिए तीसरा और आखिरी रूल है, तुम्हें फुर्तीला बनना होगा और सीखना होगा किसी रुकावट के ऊपर से कैसे कूदना है। मैं ये मिस नहीं करना चाहती थी। तुम भेड़िया बनने के लिए तैयार नहीं हो, तुम अजीब तरीके से कूदते हो। माशा सही कह रही है, मैं उस पहाड़ी पर कैसे चढ़ूंगा? मैं कभी ताकतवर, फुर्तीला और बहादुर नहीं बन पाऊंगा। ये बहुत मुश्किल है। तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा और अपने डर का सामना करना होगा। तुम तैयार हो, ताकत तुम्हारे पास है। अपने अंदर देखो। तुम अब मेरे हो। मुझे यही छोड़ दो, मुझे ये खुद के दम पर करना होगा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? तुमसे जो हो सकता था तुमने किया, अब सब मेरे ऊपर है। ये मिशन बिल्कुल नामुमकिन है। मैं अपनी छोटी टांगों के दम पर कहीं भी कैसे जा सकता हूँ? मैं एक ढेला हूँ। ताकत तुम्हारे पास है, अपने अंदर देखो। राणा ने कर दिखाया। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, मेरा नाश्ता और मैं। वैसे तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? मैं तो बहुत ही पतली हूँ, मेरे अंदर सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं। मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूँ। तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, तुमने मुझे एक गजब का आइडिया दिया है। तुम्हारी बदौलत हम राणा और मोगली दोनों से छुटकारा पा जाएंगे। तो मुझे वो इंसान का बच्चा और वॉटहॉग दोनों कैसे दोगे? सारा दल इस फासले को खुद पार कर लेगा, लेकिन वो गवार वॉटहॉग पीछे छूट जाएगा और नीचे गिर जाएगा। फिर मोगली तुम्हारा होगा। ये तो मेरे कानों के लिए संगीत के जैसा है। मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। स्वागत है, तुमने भेड़ियों के साथ एक दिन बिताने का मौका हासिल कर लिया। चलो शिकार पर चलते हैं। मैं भेड़िया हूँ। राणा, हम पकड़े जाएंगे। पहला नियम याद है ना, बिना आवाज किए दौड़ना है। तुम सब आगे जाओ, हम एक छोटा सा ब्रेक लेकर आते हैं। मैं भेड़िया बनकर बहुत थक गया हूँ। वक्त आ गया है। माशा, बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है, मैं बहुत डरी हुई हूँ। जल्दी। ओ, दर्द हो रहा है, मेरा अंत नजदीक है, मैं बहुत बड़े खतरे में हूँ। ये एक जाल है। ओ नहीं 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 नहीं, शेर खान, मैं एक भेड़िया नहीं हूँ, मैं एक बड़ा चिकन हूँ, एक फटीचर। मोगली को बचाओ या मरने का नाटक करूँ, ओ नहीं 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 नहीं, तुम इतनी आसानी से मुझे नहीं पाओगे। एक तीर से दो निशाने।
राना और मोगली से छुटकारा पाने के लिए सब्र का फल मीठा होगा। तुम अब मेरे हो। राना! मैं एक भेड़िया हूँ। तुम्हारा वक्त आ गया है इंसानी बच्चे। बहुत अच्छे राना, शुक्रिया। क्या तुम जानते हो तुमने अभी क्या किया राना? तुमने शेर खान का सामना किया। एक भेड़िया ऐसा कभी नहीं कर पाता। मैं आज के बाद तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी, वरना मैं बंदरों की चाची कहलाऊंगी। तुम वाकई एक बहादुर वॉचडॉग हो। वहाँ से अब बाहर आ जाओ फियोना। हम जानते हैं ये सारा आइडिया तुम्हारा था। शेर खान राना जितना ही नालायक है, उसकी वजह से मुझे अब तुम दोनों को झेलना होगा। राना ने हमारी जान बचाई, अगर वो नहीं आता तो पता नहीं क्या होता। वो सब इसलिए क्योंकि फियोना ने हमारे लिए जाल बिछाया था। Well, किसी को तो दल की इज्जत के लिए लड़ना ही था। एक इंसान के बच्चे के साथ वॉचडॉग को भी दल में शामिल करें? बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत बधाई हो राना, तुम जंगल के सबसे बहादुर वॉचडॉग हो और तुम्हें एक भेड़िया बनने की इज्जत दी जानी चाहिए। और जहाँ तक तुम्हारी बात है फियोना, तुम्हें अच्छे से सजा मिलनी चाहिए। राणा तुम्हारे साथ एक दिन बिताएगा और तुम्हें साहस और इज्जत के बारे में एक दो बातें सिखाएगा। हम कुछ पेड़ों में अपना सर टकराने वाले हैं। तो नन्हे भेड़िए, हमला करने के लिए तुम्हें आगे दौड़ना है, अपना सर नीचे करना है और दोबारा नहीं सोचना है। अब तुम्हारी बारी, चलो एक लंबी दौड़ लगाओ। डैडी, तो तुम यहाँ अकेले घूम रहे हो? तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? इसके पिताजी यहाँ हैं। तुम इससे कुछ कहना चाहते हो कायर? हेलो जकाला, वो बच्चे की नाक पर कुछ लग गया था, ये लो हट गया। आज इसका मुंह धोना कौन भूल गया था? देखा तुमने, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने कहा था। इसे इलाके की कोई पहचान नहीं, इसका कोई तरीका नहीं, तो इसके पास खाना भी नहीं। ये तुम्हारे सामने उदाहरण है एक बुरे शिकारी का, इसीलिए तुम्हें सीखना होगा ताकि तुम इसकी तरह ना बन जाओ भूखा। पर ये सही नहीं है। मैं ही क्यों, मेरे भाई अकेले घूम रहे हैं, आराम से पानी में तैर रहे हैं। चिंता मत करो मेरे नन्हे मगर, उन बदमाशों को भी मैं खुद ये सबक सिखाऊंगा। वरना मेरा नाम जकाला नहीं, मैं तुम्हें हमेशा बिठा कर नहीं खिला सकता। तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना सीखना होगा। वुफ वुफ, एक सियार। एक लाल पैंडा। एक सारस। एक सारस, या फिर दरअसल एक सारस की वो आवाज जो किसी शिकारी के आने पर निकलता है। बहुत अच्छे, मैं देख रहा हूँ कि सब अच्छे से सीख रहे हैं। जल्द ही तुम्हें सभी जानवरों की आवाज का मतलब पता चल जाएगा। कुछ आवाजें सच में मदद की पुकार होती हैं। और ये कौन से जानवर की मदद की पुकार थी? ये एक बूढ़े भालू की पुकार थी जिसकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द है। हेलो बलू, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? हाँ जरूर, कैसे हो तुम? ऐसे और नहीं चल सकता, हमारे बच्चों को आराम और शांति की जरूरत है, इतने शोर की नहीं। लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो पैदा भी हो गए। बधाई हो, मुझे बहुत शर्म आ रही है। शोर, एक परिवार को बड़ा करने के लिए ये माहौल बिल्कुल सही नहीं। वाकई, लेकिन हम तो माफ करना, हमारी वजह से नन्हे मुन्नों की नींद खराब हो गयी। जब तक मैं यहाँ अपनी कमर को आराम देता हूँ, तुम दोनों कहीं और जाकर खेलो। सबक नंबर एक, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हम उस इलाके को अच्छे से देखते हैं। मैं सब कुछ करीब से देख रहा हूँ।
ठीक नहीं है, आज कोई खेल नहीं है, ना ही कीचड़ में फिसल रहा है। हाँ सच में बिल्कुल ठीक नहीं, और ये सब गजल गज के सबक की वजह से हुआ है। तो मेरे नन्हे मगरमच्छों, क्या तुम अपनी टब्बा की नैनी को नमस्ते नहीं कहोगे? क्या बोल रहे हो, हमारे डैड जकाला ने तो नैनी के बारे में कुछ नहीं बताया, खासकर एक बालों वाली नैनी। लेकिन वो महान जकाला ही थे जिन्होंने खुद मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं जब तक कि वो गजल गज को सबक सिखाकर वापस नहीं लौट आते। हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, हम मगरमच्छ दल दल के राजा है, तुमने हमारे दांत नहीं देखे? हाँ इतने अच्छे नहीं है, तो अगर मैं तुम्हारे पिताजी की बात मानूं तो तुम अभी भी शिकार के लिए तैयार नहीं हो और ना ही खुद को बचाने के लिए। मुझे नहीं लगता उन्होंने तुमसे ऐसा कहा होगा लोमड़ी। तुम अपनी नैनी से इस तरह बात करोगे? क्या तुमने वो सुना? हेलो टबाकी, तुम चंपा के साथ क्या कर रहे हो? चलो अब जाओ, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? जकाला ने वापस आने तक मुझे इनका ध्यान रखने को कहा है, मैं बस इन्हें सिखा रहा था कि एक शिकारी से अपना पीछा कैसे छुड़ाएं, है ना बच्चों? तबाकी नानी। तुम अब तबाकी नानी हो? तुम ये काम कब से कर रहे हो? क्या बात है, ये तो बहुत मुश्किल है, क्या तुम मुझे भी ये करना सिखाओगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जैसे कि अब हम सीख सकते हैं अपनी पूंछ हिलाना है कि नहीं, और अपनी फर भी लिख कर सकते हैं। और जब हमारे फर ही ना हो तो क्या करें? उप्स, माफ करना, ये उन दूसरे बच्चों के लिए है जिनका मैं ख्याल रखता हूँ, फर वाले बच्चे। मुझे लगा वो कभी यहाँ से जाएंगे ही नहीं। ठीक है अब तुम्हारी बारी है, तीसरा सबक याद है। चुपके से शिकार के करीब पहुँचो। तुम्हें वाकई लगा कि हम तुम्हारे नैनी होने की कहानी पर भरोसा कर लेंगे? कायर कहीं के छोटे लाचार बच्चों पर तुम हमला करते हो? क्या मतलब है तुम्हारा, मेरा छोटा सा जबड़ा इतना ताकतवर नहीं कि मैं मगरमच्छ की खाल चबा सकूं? मुझे बेवकूफ मत समझो तबाकी, तुम झूठ बोल रहे हो और ये मैं साबित कर सकता हूँ। क्या मैं तुमने देखा कि उनका पेट कितना मुलायम है, तुम्हारे दांत उसे बिना किसी मुश्किल से फाड़ सकते हैं। मुझे अपने दादी जकाल और गजल गज के पास जाना है कछुओं का शिकार करने। भालू देवता की कसम, याद है ना उनकी उम्र में बच्चों को भागना और खेलना चाहिए? तुम देखना हमारे बच्चे भी ऐसा करेंगे, तुम्हारी सोच से बहुत जल्दी। हमें जकाला को कछुओं पर हमला करने से रोकना होगा, पर हम इन बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते। मुझे मेरे घर जाना है। हम घर में ही हैं बेवकूफ। हे शांत हो जाओ, मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या बात है, तुमने इन्हें चुप करा दिया। ठीक है हम सबको अपने साथ लेकर चलेंगे। क्या मैं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं आऊँगा तो तुम्हें वक्त लग जाएगा। अच्छा ऐसी बात है, क्या तुम्हें लगता है तुम ऐसे ही बचकर निकल सकते हो? हम तुम्हें बाद में देखेंगे। ठीक है नन्हे मगर, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, कछुए किनारे पर हैं और बच्चे सो रहे हैं। सबक नंबर नहीं, मैं बच्चों का शिकार नहीं करना चाहता, मैं उसका शिकार नहीं करना चाहता जिस पर कवच हो, ये बहुत बुरा है। एक मगर मच्छला सागर में कह के बाय बाय अपने बच्चों को, मिट्टी में वो बढ़ा रखा कदम, चल पड़ा वो कछुओं से लड़ने, था उसमें दम दम, था उसमें दम दम, बेचारा मगरमच्छ फिर वापस आ गया किनारे पे, सबको आती है नया बेचारे पे। देखिए ये कितने प्यारे हैं। आगे बढ़ो दोनों के लिए केक, ये इतना मुश्किल नहीं है। ये मुझे देखकर मुस्कुराई, मैं उस जानवर को नहीं खा सकता जो मुझे देखकर मुस्कुराए। मेरी कमर, था उसमें दम दम, था उसमें दम दम, फिर वापस आ गया किनारे पे, सबको आती है दया। बोला उसने मुंह तो गए सब डरे, सब समझ गए, चकाला नहीं, नहीं। लगता है चकाला को कुछ हुआ है। उन्हें क्या हुआ, क्या वो मरने वाले हैं?
बिल्कुल भी नहीं, चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। मुझे मोगली की मदद करनी होगी, क्या तुम इन पर नजर रख सकती हो अबू? चकाला के बच्चे, तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ। आगे बढ़ो बगी। इसके मुंह को खुला रखने के लिए हमें कुछ करना होगा। रुको, मेरा बच्चा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, मोगली सबको बचा लेगा। क्या तुम अपना मुंह खोलोगे या नहीं? भालू देवता की कसम, कमर की दर्द ठीक हो गई। शुक्रिया मोगली। अंदर सब कैसा था? क्या बहुत अंधेरा था? क्या तुम्हें खाए जाने का डर नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, मुझे पता था कि क्या होने वाला है। यही तो है सबक नंबर एक, सब कुछ ध्यान से देखो। तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए, बच्चों पर हमला करते हो इतने बड़े और ताकतवर होके। मैं अपने बच्चों को शिकार करना सिखाना चाहता था, पर इनके लिए इनकी साइज का शिकार ढूंढना आसान नहीं है। मुझे माफ कर देना, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। पर दबा की नैनी हम सबको खाना चाहती थी। सच में? मैं खुद को दिखाना चाहता था कि मैं शिकार कर सकता हूँ, पर मैं तो एक चूहा भी नहीं पकड़ सकता। कोई मुझे रोको, इससे पहले मैं इसे जिंदा निकल जाऊँ। बस कीजिए डैड। तुम्हें क्या लगा तुम सही कर रहे हो? तुमने अपने बच्चों को यूँ अकेला छोड़ दिया जबकि यहाँ चारों तरफ इतने शिकारी है। हाँ, पर ये सब ना हुआ होता अगर हमें कहीं और जाकर खेलने को ना कहा गया होता। दोस्तों, शोर का मतलब जिंदगी भी होता है। क्या तुम ये टर्टर आवाज नहीं सुन रहे हो? आ, वो हाँ थोड़ी बहुत। तुम मजाक कर रहे हो क्या? वो सारी रात शोर मचा रहे थे और तुम आराम से सो भी गए। क्या मैं जाकर देखूं? शायद हो सकता है तब तुम्हें नींद आ जाए। हाँ, शुक्रिया मोगली। तुम शांत हो जाओ बघीरा और सोने की कोशिश करो। मेरे बच्चे, वो चले गए। चले गए कहाँ और क्यों? क्या इसलिए तुमने अभी तक सारे मेंढकों से छुटकारा नहीं पाया है? मुझे परवाह नहीं। ये सब मेरी गलती है। मैं और मेरी महान इंद्रधनुषी रंग के मगरमच्छ वाली कहानियाँ। महान इंद्रधनुषी रंग वाला मगरमच्छ? ये कहानी है बहुत पुरानी। सिवाय इसके कि मैंने जब उन्हें ये सुनाई तो उन्हें इतनी अच्छी लगी थी कि मेरे बच्चों ने उसकी तलाश में जाना तय कर लिया। तो फिर तुम्हें बस उन्हें ढूंढ कर उन्हें समझाना है? ये नामुमकिन है। ये महान इंद्रधनुषी रंग के मगरमच्छ की कहानी बच्चों के लिए है, पर अगर मैंने ये मान लिया कि ये बस एक कहानी है तो वो मुझ पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। बस उनसे कहना कि ये एक अच्छी कहानी थी, अगर नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, उन्हें अपना रोमांच करने दो। नहीं कर सकता, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। तो जाकर उन्हें ढूंढ लो। अगर मैं चाहूँ भी तो नहीं कर सकता, मुझे बहुत रोना रहा है। मुझे इन आंसुओं से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं उनके निशान नहीं देख पाऊंगा। ओके, अगर मैं तुम्हारे बच्चों को ढूंढने जाऊँ तो क्या तुम मेंढकों को संभाल लोगे? मैं तुम्हारी इन मोटी उंगलियों की वजह से सो नहीं पाऊंगा। मेरी उंगलियां मोटी नहीं हैं, वो मजबूत हैं। ये मत कहना कि तुम्हें मेरे डैड ने भेजा है, क्योंकि उन्हें लगता है हम इंद्रधनुषी रंग के मगरमच्छ को नहीं ढूंढ सकते। Hey, hi there. मुझे कोई हाय देयर नहीं कहता, तुम्हें कहना चाहिए हेलो चौंपा, आज तुम कैसे हो? हेलो चौंपा, आज तुम कैसे हो और तुम्हारे भाई कहाँ हैं? जवाब ए, मैं ठीक हूँ। जवाब बी, मेरे भाई बेवकूफ है, मेरे बिना वो कभी महान इंद्रधनुषी मगरमच्छ को नहीं ढूंढ पाएंगे। क्या तुम हमेशा ऐसे ही बात करते हो? मैं बात नहीं कर रहा, मैं अपने विचार रख रहा हूँ। अच्छा ठीक है,
तुम अपने विचार अपने पिताजी के सामने रखना, क्योंकि मैं तुम्हें वापस अपने घर ले जा रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे भाइयों को ढूंढने में तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अगर तुम इतने होशियार हो तो वो हैं कहाँ पर? हम खाना कब खाएंगे? चुप रहो, मैं सोच रही हूँ। मुझे सोचना पसंद नहीं, ना ही मुझे खोना पसंद है। हम खोए नहीं, मुझे लग रहा है कि अब महान इंद्रधनुषी मगरमच्छ दूर नहीं है। उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है और ये भी बहुत खतरनाक जगह है। तुम्हारे भाई यहाँ कभी आए ही नहीं, तुम छुटकू और झूठे हो। मैं छुटकू नहीं हूँ, मैं पतला हूँ और मैंने झूठ नहीं कहा। मैं तुम्हारी बहादुरी का इम्तिहान लेना चाहता था ताकि तुम मेरा भरोसा जीत सको। क्या तुम्हारे सारे भाई तुम जैसे हैं? नहीं, मुझसे दोस्ती करना बहुत आसान है। मुझे ये बताओ, तुमने मेंढकों को ठिकाने लगा दिया? मैं उन्हें तब देखूंगा जब वो मेरे बच्चों को लेके आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मोगली ने हमें बताया कि वो उन्हें ढूंढने जा रहा है। और ये भी कि तुम अपने बच्चों को महान इंद्रधनुषी मगरमच्छ के बारे में कहानियां सुनाते हो, इसलिए वो चले गए है ना? तुम्हें क्या पता बच्चे पालना कैसा होता है। इससे मुझे वो दिन याद आ गया जब बाइटर ने पकड़ लिया था वो, नहीं नहीं बाइटर नहीं, वो चौंपा था, नहीं नहीं गजल का था। इसकी बजाय हमें महान इंद्रधनुषी मगरमच्छ की कहानी सुना। आहा, मुझे ये अच्छा लगेगा, एक बार की बात है। मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं बहुत थक चुका हूँ और मैं जितना थकता हूँ उतनी ज्यादा भूख लगती है। अब हम ज्यादा दूर नहीं हैं। मुझे ज्यादा दूर होना पसंद नहीं है। जानती हूँ, हम यहाँ एक छपकी लेंगे। क्या जंगल में मगरमच्छ से भी ज्यादा खतरनाक जानवर हो सकते हैं? एक मगरमच्छ से खतरनाक कुछ नहीं होता। तुम मगरमच्छ तो होते हैं ना? मैं विरोध करता हूँ, एक मगरमच्छ कभी भी जंगल में इस तरह नहीं घूमता। हाथी, रुक जाओ। शकाला के बच्चे इस तरह जंगल के बीच में क्या कर रहे हैं? वो कहानी का एक जानवर ढूंढ रहे हैं जिसका नाम है महान इंद्रधनुषी रंग वाला मगरमच्छ। महान इंद्रधनुषी रंग वाला मगरमच्छ? महान लाल रंग और हरे धब्बों वाला मगरमच्छ क्यों नहीं? शायद तुम उस बड़े से ग्रे जानवर के साथ मश्करी करना बंद करोगे तो तुम्हें मेरे भाइयों के पीछे जाने की फुर्सत मिल जाए। एक शानदार मौका मालिक, मोगली उन नन्हे मगरमच्छों को ढूंढ रहा है जो किसी महान इंद्रधनुषी रंग वाले मगरमच्छ की तलाश में निकले हैं, ये जाने बगैर कि वो दिखता कैसा है। बस इतनी सी बात? अगर आप महान इंद्रधनुषी रंग वाला मगरमच्छ होने का नाटक करें तो वो आपसे मिलने चले आएंगे, और जब मोगली उन्हें ढूंढते हुए आएगा तो वो सब होंगे मेरे पेट में। बिल्कुल सही, उनके साथ मोगली भी। हाँ, अब मैं ये देख पा रहा हूँ, स्टार्टर के बाद मेन कोर्स पर एक महान इंद्रधनुषी रंग वाला मगरमच्छ दिखता कैसा होगा। तब महान इंद्रधनुषी रंग वाले मगरमच्छ ने चांद की तरफ देखा और तय किया कि वो उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाएगा। हाँ। उसे बेहोश करके उससे छुटकारा क्यों नहीं पा लेते? कहानियों से हमें इतिहास के बारे में सीखने को मिलता है, और कहानियों से हमारे छोटे बच्चे सच और झूठ का फर्क समझ पाते हैं। जब बेवकूफों की तरह अपने दांत दिखाना बंद कर दोगे तो शायद तुम्हें उन नन्हे मगरमच्छों को ढूंढने की फुर्सत मिल जाएगी। वहाँ पैरों के निशान। एक मगरमच्छ कभी अपने पैरों के निशान नहीं छोड़ता, वो अपने मार्क छोड़ता है। मैं महसूस कर सकती हूँ अब हम दूर नहीं है। हे बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महान इंद्रधनुषी रंग वाले मगरमच्छ को ढूंढ रहे हैं। ओह अच्छा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मैं जानता हूँ वो कहाँ मिलेगा। मेरे पीछे आओ। कहा था ना तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। खूबसूरत है ना हमारा ये महान इंद्रधनुषी रंग वाला मगरमच्छ। मुझे ये पसंद नहीं आया। क्या आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है? महान इंद्रधनुषी रंग वाले मगरमच्छ, मैं भूखा हूँ। तुम एक महान मगरमच्छ के बारे में ऐसे नहीं बात कर सकते। महान इंद्रधनुषी रंग वाला मगरमच्छ सुन रहा है। महान इंद्रधनुषी रंग वाले मगरमच्छ, हमें क्रोकोडाइल टर्ट का रास्ता दिखाइए। क्या तुम मगरमच्छियत के रास्ते पर चलने लायक हो? तो फिर यहाँ से अंदर आ जाओ।
तुम्हारा मतलब हमें तुम्हारे मुंह में आना पड़ेगा। मगरमच्छ चित का रास्ता यही है। उन्होंने महान मगरमच्छ को ढूंढ लिया है। जल्दी मुझे खोलो और उनके पास जाने दो। ये एक जाल है, वो शेर खान है। ये सच नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें भरोसा नहीं है और तुम नहीं चाहते हो कि ये सच हो। ठीक है, तुम सही थे इस बार, पर मुझे उनकी मदद करनी होगी। ठीक है, तुम जाओ और सबसे पहले अपने भाइयों में से किसी एक की जगह लेकर टाइगर का ध्यान बटाओ। तुम जानते हो ना ये कैसे करना है? जरूर, ये मेरे कई टैलेंट्स में से एक है। सरकार, आपको नहीं लगता कि हमें उन्हें खाने से पहले मोगली का इंतजार करना चाहिए? मैं यहाँ उनके होने का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहता हूँ। इंसान के बच्चे से बाद में निपटेंगे। ओ भाई, तुमने हमें ढूंढ ही लिया। ये मुश्किल नहीं था, और मेरे पास महान इंद्रधनुषी रंग वाले मगरमच्छ के लिए हमारे डैड के कुछ सवाल भी है। महान मगरमच्छ, मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी मूंछें क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हूँ ना। और आप इतने मुलायम कैसे हो, जबकि मगरमच्छ की चमड़ी तो बहुत कठोर होती है। जब महान इंद्रधनुषी रंगों वाला मगरमच्छ पानी में जाता है तो उसकी चमड़ी वापस बाकी मगरमच्छों जैसी हो जाती है। मेरे पीछे आओ, मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले कुछ खाने की जरूरत है। अच्छा आइडिया है, मुझे बहुत भूख लग रही है। सरकार, मुझे लगता है कि कोई गड़बड़ हुई है। बहुत अच्छे, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। हमने बहुत सारे रोमांचक काम किए। मुझे रोमांच पसंद नहीं। मैं उन्हें सुरक्षित वापस ले आया, पर ये आसान नहीं था। अब मोगली ने भी थोड़ी मदद की। तुम्हारे पिताजी ने कभी तुम्हें सच नहीं बताया, लेकिन क्या वो ही है असली महान इंद्रधनुषी रंग वाले मगरमच्छ? सच में? मुझे पता था। क्या ये सच है कि आप ही महान इंद्रधनुषी रंग वाले मगरमच्छ? हाँ, मैं तुम्हें महान इंद्रधनुषी रंग वाले मगरमच्छ के बारे में सब कुछ बताऊंगा, पर पहले हमें मेंढकों से छुटकारा पाना है। अब मेंढक नहीं है, हम सब शांति से सो सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, दर्द होता है। यही तो बात है, और एलोवेरा चोट के लिए सबसे अच्छी दवाई है। अब तो बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। बहुत बढ़िया बलू, देखा, दर्द से ज्यादा तुम्हें डर लग रहा था। हे, एक सेकंड रुको, मुझे इस चोट के लिए कुछ इनाम मिलना चाहिए। मुझे हड्डी चाहिए, वो भी बड़ी वाली। कितना आसान है, ठीक वही चीज जो तुम्हें मेरे इलाज के बदले देनी है, इसलिए बघीरा वो हड्डी मुझे दे देगा। बलू, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या हुआ गजिनी, बच्चे बीमार हैं? नहीं, हाथी बीमार है। गजिनी, बच्चों, मैं घर आ गया। पर डैडी, हम यहाँ हैं, और यहाँ हमारा घर नहीं है, यहाँ तो बंदर रहते हैं। रीता, अप्पू, मेरे प्यारे बच्चों। हाथी नहीं जानता कि वो कहाँ है, और ना ही कि वो किसके साथ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने जरूर घाटी वाले मशरूम खाए होंगे। जरूर ऐसा ही हुआ होगा, हाथी गलती से तलहटी में उगने वाली बेरीज खाने गया था। तो ठीक तो हो जाएगा ना? अगर उसका इलाज नहीं किया तो हाँ, और अगर देर हो गई तो हाथी ऐसा ही रहेगा। तुम्हारे नहाने का वक्त हो गया, चलो दिखाओ तुम्हारी सूंड कितनी साफ है। हाथी के इलाज का बस एक ही तरीका है, हमें नीले पहाड़ी फूलों का इंतजाम करना होगा, और वो भी जल्द से जल्द। हाथी, मैं तुम्हारा नीले फूलों से इलाज करने जा रहा हूँ। इलाज? गजिनी, मेरी प्यारी, क्या तुमने सुना ये बूढ़ा कछुआ क्या कह रहा है? जैसे कि मैं बीमार हूँ। सच कहूँ तो तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मम्मी, वो पूरी तरह पागल हो चुके हैं। वेल, अब मैं चलता हूँ दोस्तों। मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ जो इस इलाके से गुजर रहा है, उसका नाम है पाका। पाका? पर वो तो मेरा भाई है, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? Well, ठीक है। बहुत बढ़िया मोगली। मुझे बहुत खुशी है कि तुम पाका के दोस्त हो।
मुझे लगता था उसे जंगली सुअर पसंद नहीं है। ये तो मजे की बात है ना राणा, मैं राणा के साथ जा रहा हूँ। तुम दोनों मामी को परेशान मत करना। गुड बाय डार्लिंग। मालिक, मेरे पास बहुत अच्छी खबर है। बूढ़ा हाथी अब किसी को पहचान नहीं पा रहा है। मेरे लिए तो अच्छी खबर बस होगी हाथियों का कब्रिस्तान। जरा सोचिए मालिक, अगर हाथी किसी को पहचान नहीं पा रहा तो वो आपको भी नहीं पहचान पाएगा। अगर मैं उसे शक हुए बिना उसके करीब पहुंच सका तो एक दुश्मन कम हो जाएगा। देखा आपने कितनी अच्छी खबर है। क्या आपको लगता है कि इसके लिए मुझे इनाम मिलना चाहिए? तुम्हें हड्डी मिलेगी जब हाथी इस दुनिया में नहीं रहेगा। अब मुझे बताओ कि तुमने उस बुढ़े बेवकूफ को कहाँ देखा। जरूर मालिक। चिंता मत करो, हमारे वापस आने तक हाथी ठीक हो चुका होगा। गुड लक मोगली, होशियार रहना। सब ठीक हो जाएगा गजिनी, जब तक हाथी नहीं लौटाता बघीरा और मैं तुम्हारी रक्षा करेंगे। मुझे इसकी चिंता नहीं है, मुझे डर है कि कहीं हाथी हमेशा ऐसा ही ना रह जाए। हाथी कहाँ है बताओ, इससे पहले कि मैं इसे कच्चा चबा जाऊं। हाथी पहाड़ों की तरफ गया है। वो अपने भाई के लिए फूल लेने गया है, पर उसे खुद पर ज्यादा ध्यान देने की आदत है। मैं इस सुनहरे मौके को हाथ से निकलने नहीं दे सकता। सुनो चिम्स, पता है शेर खान का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? ये इतनी ऊंची चढ़ाई नहीं है, फिर भी मैं थक गया हूँ। चलो चलो जल्दी करो, मेरे दोस्त शेर खान ने जाने से पहले बिल्कुल साफ कहा था, अगर मुझे कोई परेशानी हुई तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इसलिए ये पंखा जरा जल्दी जल्दी चलाओ। तो उस हड्डी का क्या हुआ माशा, मुझे आज ही मिलेगी या फिर कल तक इंतजार करना होगा? ला रही हूँ, ला रही हूँ। एक नारियल। हाथी नहीं, वो मधुमक्खियों का छत्ता है। इसका स्वाद बहुत ही तीखा है। हाथी तुम तो सब जानते हो, मधुमक्खियों से बचने के लिए पानी में कूदना पड़ता है। मधुमक्खियाँ? बेचारा राणा, तुम्हारी नजर को धोखा हो रहा है। जाहिर है कि इनसे बचने का सबसे आम तरीका है पानी में कूदना, पर अगर उन्हें तुमसे कोई परेशानी हो तो, क्योंकि नहीं तो तुम्हें एक ही जगह पे बिना डरे खड़े रहना होगा। डरने की कोई बात नहीं। हमें बस नदी पार करनी है, पाका बस पहुंचने ही वाला होगा। वैसे ये पुल कुछ खास मजबूत नहीं लग रहा। पानी में गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तैर सकता हूँ। हाथी जल्दी करो, और तेज चकाला आ रहा है। चकाला? अब वो कौन है? वो मगरमच्छ, पूंछ पकड़ लेता है। एक मगरमच्छ? क्या तुम्हें पूरा यकीन है? यह आवाज तो भैंसे जैसी थी। हमें जल्दी जाना होगा, पाका हमारा इंतजार नहीं करेगा। मुझे प्यास लगी है, क्या हम नदी में जाकर पानी पी सकते हैं मॉम?
उनके साथ मैं जाता हूँ। तुम शैतान बंदर, एक बार शेर खान हाथी से छुटकारा पाले फिर तुम सबको नहीं छोड़ेगा। लोमड़ी का स्वाद बहुत बुरा होता है। शेर खान हाथी पर हमला करने वाला है। नीले पहाड़ी फूल, पाका मेरा भाई कहाँ है राणा? ज्यादा दूर नहीं, वॉटहॉग की कसम। तो उसे लगता है कि मोगली एक वॉटहॉग है? ये तो बच्चों का खेल होगा। ये लो हाथी, इसे खाओ। बेर, मैं नहीं खा सकता, इनमें कांटे लगे हैं। जानते हो इन कांटों में पानी भरा होता है। मुझे तो कांटे महसूस भी नहीं हो रहे हैं। बस बाल बाल बचे हाथी, वो पागल वॉटहॉग तुम्हें काटने ही वाला था। सच में? लेकिन तुम कौन हो? आओ आओ आ जाओ, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारा भाई हूँ पाका। चलो सूंड मिलाते हैं प्यारे भाई। तुम पाका नहीं हो, तुम शेर खान हो। नामुमकिन, मैंने तुम्हें पहाड़ी से नीचे गिरते देखा था। लगता है आजकल सभी को नजर का धोखा हो रहा है। हाथी, क्या तुम मुझे पहचान रहे हो? वेल हाँ, तुम एक जंगली सुअर हो जो कि काफी हद तक मोगली जैसा लगता है। डार्लिंग, बच्चों, मैं ठीक हो गया। हमें आप ऐसे ही पसंद है डैडी। क्यों ना हम दलदल में थोड़ा सा आराम कर लें, इस बार हमारे असली घर में। बेकार मगरमच्छ। मालिक, आपने हाथी को ठिकाने लगा दिया, इस बार तो आपको मुझे इनाम में एक हड्डी देनी ही होगी। जरा रुको और देखो तुम्हें इनाम में क्या मिलता है, तुम और तुम्हारा बकवास आइडिया। लेकिन मालिक, मालिक, मालिक। ये मामला तो सच में बहुत गंभीर है, क्योंकि ये फंगस तो हमारे पेड़ का दम घोट रही है। पर ये मरने वाला नहीं है, है ना? मैं नहीं जानता मोगली, पर फिलहाल हमें सोने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी। वादा करता हूँ इससे बचने के लिए सारी मुमकिन कोशिश करेंगे मोगली। ये हमेशा से हमारा पेड़ रहा है। तुम बलू पर भरोसा रखो, उसे बहुत सारे इलाज पता है, पर पेड़ को ठीक होने में कुछ वक्त तो लगेगा। क्या मैं जाकर तुम तीनों के सोने के लिए कोई जगह ढूंढूं? हाँ, बदकिस्मती से कम कुछ रातों के लिए। तो क्या तुम मेरे साथ कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हो? कम ऑन, कम ऑन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हेलो रिकी, माफ करना लेकिन मेरा खेलने का मन नहीं है। आखिर बात क्या है? हमारा पेड़ मर रहा है। ओ अच्छा, तो क्या हुआ? यहाँ और भी बहुत सारे पेड़ हैं। हाँ, पर ये वाला हमारा है, मेरा, बल्लू और बगीरा का। मैं उस पेड़ पर बड़ा हुआ हूँ। रुको रुको रुको, मैं तुम्हें ऐसी जगह दिखा सकता हूँ जहाँ तुम आराम से सो सकते हो। ओ अच्छा। मैं तुम्हें ऐसी जगह दिखाऊंगा जहाँ का नजारा कमाल का होगा और तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, लेकिन अगर तुम हाँ कहोगे तभी मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाऊंगा। कहाँ पर? वेल, देखा, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, है ना शानदार? अच्छा है, पर बहुत बहुत छोटा है। ये छोटा नहीं है, परफेक्ट है। हाँ, पर हम तीनों के लिए ये बहुत छोटा होगा। तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें अच्छा नजारा चाहिए तो ऊपर चढ़ना होगा। लगता नहीं कि मैं ये कर पाऊंगा बघीरा। बस तुम लगातार कोशिश करते रहो, यकीनन तुम पेड़ को बचाने में कामयाब रहोगे। देखा कितनी ओरिजिनल है। पर इसमें तो खड़े भी नहीं हो सकते हैं, मेरा मतलब ये तो बहुत संकरा है। कहाँ गए तुम? मैं गिर गया एक खड्डे में, यहाँ। ये गड्ढा नहीं है, ये सोने की जगह है। बल्लू यहाँ कैसे आ पाएगा? उसे बस रेंगना होगा और ये उसके लिए अच्छी एक्सरसाइज रहेगी। सच बताऊँ तो इससे अच्छी जगह तुम्हें नहीं मिलेगी। हाँ, पर शायद ये मेरे लिए कुछ ज्यादा ही खास है। और ये बदबू कैसी है?
बदबू? कैसी बदबू? यहाँ पहले रहता कौन था? मेरे ख्याल से एक पोल कैट। ये पत्तियाँ आज पूरी रात और कल तक चिपकी रहेंगी और जब ये गिरेंगी हमारा पेड़ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो अभी गिर गई तो? इसका मतलब ये तरीका अच्छा नहीं था। वो कहाँ है? ये क्या है? वहाँ पर, उस चट्टान पर। हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? बहुत ही आसान है, तुम साफ पानी के इस तालाब में चलकर जा सकते हो। सुबह सुबह उठो, एक छोटी सी डुबकी लगाओ और इस तालाब में से तुम ये कीचड़ में भर कर। और क्या, शाम के वक्त जब कीचड़ की बात आती है तो साथ ही बात होती है मच्छरों की। और जब वो काटेंगे तो हम खुशी से खुजलाएंगे। बहुत सवाल करते हो, जो ढूंढना है खुद ढूंढ लो। मैंने तुम्हारी मुश्किल के बारे में सुना, ये बहुत ही बुरा हुआ। बलू बगीरा और मुझे अपना पेड़ छोड़ना होगा। अगर शेर खान इतना मतलबी और बदमाश नहीं होता तो तुम जाकर उसके साथ ही रह सकते थे। हाँ, अच्छा मजाक है। क्या तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से खुद को तुम्हारे दोस्त के मुंह में फेंक दूंगा? वो मेरा दोस्त नहीं है, बस जान पहचान है तो वक्त पड़ने पर काम आती है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अगर सच कहूँ तो मुझे उससे नफरत है, लेकिन दूसरी तरफ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आसमान से जंगल बहुत अच्छे से दिखाई देता है, मैं तुम्हारे सोने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढता हूँ, तुम देखना। मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा। अगर जड़ें भी सतह पर आने लगे तो ये बहुत बुरा संकेत है। कहाँ है वो हिरन जिसका तुमने मुझसे वादा किया था? वो वहीं पर था, वो जैसे खाए जाने के लिए तैयार ही खड़ा था, पर वो भाग निकला। तुमसे मुझे कोई उम्मीद नहीं, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, तुम बस मेरे छोड़े हुए खाने पर पलते हो और कुछ नहीं। भाग जाओ यहाँ से पंख वाले बेवकूफ। जब मैंने सोचा कि वहाँ एक इंसान का बच्चा है जिसके पास रहने की कोई जगह नहीं है, जो इस बड़े से जंगल में बिल्कुल अकेला घूम रहा है शेर खान। वेल, और ये जानते हुए कि तुम कितने मददगार हो, मैं सोच रहा हूँ तुमने जरूर कोई अच्छी जगह ढूंढ ली होगी। हाँ, एक अच्छी जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, एक ऐसी जगह जहाँ एक टाइगर आसानी से छुप कर एक इंसान के अकेले बच्चे को चौंका सकता है। मोगली ऐसे सीधे साधे जाल में कभी नहीं फंसने वाला। ये आसान होगा, मेरे यकीन करो। ये बिल्कुल बेकार प्लान है। अपनी ये सोच अपने ही पास रखो टबाकी, बेकार प्लान सिर्फ तुम्हारे होते हैं। तुम्हारा लकी दिन है इंसान के बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए कुछ ढूंढा है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। बहुत बुरा हुआ। क्या वो बहुत दूर है? मुझे यकीन है वो उसे कुछ घटिया दिखाने वाला है। गद्दार कहीं का। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, क्या तुम भी मोगली को जगह दिखाने जा रहे हो? मोगली जहाँ चाहे वहाँ पर सोए, उससे मुझे क्या? हाँ, तुम मोगली से क्या चाहते हो? वाह, क्या ख्याल है तुम्हारा, देखा मैं झूठ नहीं कह रहा था। ये लाजवाब है, और अभी तो तुमने अंदर से देखा भी नहीं है। अंदर जाकर देखो इंसान के बच्चे। रुको, पहले मुझे देखने दो। जब मैं बलू और बगीरा को बताऊंगा तो वो इसे देखने आएंगे। मेरी बात मानो, तुम्हें यकीन ही नहीं होगा स्टैंड के अंदर क्या है। वेल, तो तुमने अपने दोस्त भी बदल लिए। रिकी। हाँ,
बस इसकी ही कमी थी। तुम्हारे सोने के लिए इसने यही जगह ढूंढी है। देख नहीं रही ये जगह कितनी खराब है? देखो ये ठीक है। क्या तुम नहीं जानते कि जब कालू कहता है ये जगह ठीक है तो इसका मतलब होता है नहीं है। तुम्हें इसके बारे में क्या पता है? कुछ नहीं। अगर ये पंखों वाला बदमाश कुछ भी कहे तो हमेशा उसका उल्टा मतलब समझो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो टाइगर एक निर्दयी बेवकूफ है, ये बात तो सब जानते हैं। देखा तुमने, मैंने कहा था ना। तुमने सही कहा, शेर खान बहुत ही ज्यादा होशियार है। क्या बताऊं, ऐसी चीजें मजबूत नहीं होती हैं। हवा के हल्के से झोंके से ये उड़ जाती हैं। देखो खिड़कियां भी नहीं है, इसका मतलब है कि भरी दोपहरी में भी अंदर अंधेरा रहेगा। ये चीजें देख रहे हो, ये किसी काम की नहीं है। देखो आसान है। उसे मत निकालो बेवकूफ कहीं के। कालू तुम जो भी कह रहे हो उसका मतलब अक्सर उल्टा ही होता है। तुम्हें मानना पड़ेगा कि रिकी सही कह रहा है, ये ज्यादा मजबूत नहीं है। ये है मजबूत, एक बार जरा अंदर जाकर तो देखो। हे तबाकी, क्या तुम भी वहाँ हो? कम ऑन, तुम भी आकर अपनी राय दे दो। तबाकी, आकर मेरी मदद करो। इससे अपने आप ही निपटो, तुम बहुत होशियार बन रहे थे ना। हे बहुत हो गया, झगड़ो मत। अगर तुमने अपने प्लान के बारे में मुझे बताया होता तो मोगली कब का अंदर जा चुका होता। तुम दोनों में से शेर खान किसको पसंद करता है? कितने बड़े बेवकूफ हैं ये। मेरे लिए रुकिए मालिक, ये सब कल्लू की गलती है, मैं आपको बाहर निकाल लूंगा। मैंने कहा था ना ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं। सही कहा, और इसमें रहने वाले लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। रुकिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। मालिक याद है ना कल्लू ने आपको निर्दयी बेवकूफ कहा था। बलू, बगीरा, मुझे कुछ नहीं मिला, माफ कर देना। घबराओ नहीं मोगली, ये मक्खियाँ पेड़ों के फंगस को खाती हैं। इन्होंने हमारे पेड़ को बचा लिया, देखो। देखा, इसे हमारे रहने जितना मजबूत बनने में थोड़ा वक्त लगेगा, मगर ये पहले जैसा हो जाएगा। इसके ठीक होने तक हमें इस पर नजर रखनी होगी। लो हो गया मोगली, ये ज्यादा ऊंचा नहीं है, ना ही संकरा है, ना इसमें कम रोशनी आती है, ये बहुत ही अंधेरा भी नहीं है। देखो बिल्कुल रिक्की टिक्की जैसा है।